हेलो एवरीवन हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट हो चुके हैं प्लीज़ मुझे फटाफट फड़ से बता दीजिए बच्चों दैट इफ़ आई एम ऑडिबल विजिबल आपको सही सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है प्लीज़ लेट मी नो फटाफट से यस गाइस फटाफट से बता दो इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू शिफा हाय शिफा ठीक है आवाज़ ठीक है फटाफट फड़ से बता दो यार देन वी विल स्टार्ट क्लास Yes. Yes, yes, yes. ओके सो यस ऑल गुड हाँ मैम हाँ ठीक है हाँ मैम ऑल गुड ऑल क्लियर आपकी वॉइस को क्या हुआ आवाज़ ठीक है विश्वास सही है अभी फैजान ठीक है गई इज़ इट फाइन कैरी यूर भी प्रॉपरली हेलो मैम आज टाइम हाँ जी ज्ञानदीप हाँ जी बताओ ऑल गुड ऑल गुड परफेक्टली फाइन हाँ ठीक है तो आवाज़ भी ठीक है परफेक्ट 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 स्वागत है अपनी लाइफ में और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आई होप दैट और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं मैम तैयारी तो हमारी लड़खड़ा रही है प्लीज़ लेट मी नो हम कुछ ना कुछ उसका ना फिक्स कर लेंगे उसको सही कर लेंगे किस तरीके से तो कौन कौन जुड़ा हुआ है आज हमारी लाइव चैट में पहले यार लाइव जनता का नाम ले लेते हैं कौन कौन हमारी लाइव क्लास का पार्ट है विश्वास विश्वास ऐश्वर्या एल डी क्रिएशंस विवेक जाधव गगनदीप इंधरा राहा रोहित बैग देवेंद्र विश्वकर्मा ओके हाई एवरी वन स्माइल ऑफ नेचर दैट इज़ मुस्कान शिफा अंसारी इज़ देर आकाश सिंह इज़ देर येस आ जाओ मकवाना सतीश मिहिर मिश्रा हाई एवरीबडी हेलो 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 सब बढ़िया ऑल गुड हाई शिफू शिफू मुझे चॉकलेट खिलाती है हर बात पे चॉकलेट के मोटे कौन सा आ रहे हैं हाँ जी हाई बच्चो हाई बाय वेश विश्वजीत हेलो बाशवती हेलो हाई एवरी वन हेलो बच्चो हेलो 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 क्या हाल है सबके ऐश्वर्या नहीं मैम यूनिट टेस्ट चल रहा है अच्छा यूनिट टेस्ट चल रहा है गौरव हाई गौरव अच्छा ओके ओके गुड इवनिंग गौरव वर्मा ऑफिशियल फाइन तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं आर वी आर गोना स्टार्ट विथ यार आज से हम इकोलॉजी शुरू करेंगे आ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक इकोलॉजी नहीं पढ़ाया है तो आज हम इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन बेटा इकोलॉजी अपने आप में इतना भारी यूनिट है मार्क्स देने के हिसाब से जितना आपका मोलिकुलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ एनारिटि एंड वेरिएशन से मिला के क्वेश्चन आते हैं ना उतने ही क्वेश्चंस इकोलॉजी से आते हैं तो अगर आप वो बच्चा हो जिसको लगता है कि मैम मेरे को ना बहुत अच्छे से जेनेटिक्स नहीं आती है मेरे को डर लगता है मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो मैं आपको बोलूँगी एन ने ऐसे बच्चे के लिए भी पूरा पूरा स्कोप दिया है कि वो भी अच्छे से मार्क्स ले लें उसका भी ढंग से सिलेक्शन हो जाए और ट्वेल्थ में भी अगर आप ट्वेल्थ के बच्चे हो तब के लिए भी ये सही है और आप नीट वाले हो तब भी तो आपका हाफ ऑफ द जितना वेटेज आपको जेनेटिक्स से मिल रहा है उतना ही वेटेज आपको इकोलॉजी से भी मिल रहा है और इकोलॉजी छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैम चलना या लास्ट मिनट तो इकोलॉजी आता है मैम कौन ही पढ़ेगा इकोलॉजी को बेटा उससे हर चैप्टर से दो से तीन क्वेश्चन आएंगे यानी कि आठ से दस क्वेश्चन हर चैप्टर से आठ से दस क्वेश्चन पूरे इकोलॉजी से सो so, आठ से दस क्वेश्चन कितने मार्क्स हुए कितने मार्क्स हुए बताओ हाउ मेनी मार्क्स आर दोस्त आई सुहानी कितने मार्क्स हुए में लिख के बताओ यार आठ से दस क्वेश्चंस हैं यस बच्चों एक क्वेश्चन चार मार्क्स का क्या हो गया भाई फोर्टी मार्क्स यस गाइस यस चालीस मार्क्स है भाई चालीस मार्क्स की गेम है इकोलॉजी तो बेटा आप इकोलॉजी को छोड़ना मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो यार ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे इतना आसान चीज़ है ऐसे एकदम ना मक्खन वाले मार्क्स पर पड़े हुए हैं बस उठा के लेकर आने हैं आपको पता है इवन नाइन्थ क्लास का बच्चा भी इकोलॉजी अच्छे से निकाल सकता है इतना आसान है इकोलॉजी मैगजीन रीडिंग है एक बार ही पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा मैगजीन रीडिंग है एक बार ही पढ़ा दिमाग में आ जाएगा तो जो बच्चा इकोलॉजी छोड़ रहा है ये सोच के कि मैम लास्ट मौके पे करेंगे बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो डो नॉट रिपीट सच मिस्टेक इकोलॉजी को जरूर पक्का करें मार्क्स बहुत आसान है क्वेश्चन गलत नहीं होता है होता ही नहीं गलत उसमें पढ़ा होगा आ जाएगा नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आए सिंपल एज सिंपल एज दैट तो यार अपनी एन बुक्स खोलिए और लेट्स ट्राई टू रिवाइज वॉट एवर इज़ देर गिविन एन एन एक बार में इकोलॉजी के सारे के सारे चैप्टर को पहले चैप्टर को और गैनिजन पॉपुलेशन वाले चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है और वन एंड टू वन एंड है एकदम वन शॉर्ट वीडियो है सारा खत्म करते हैं इसको चले करे स्टार्ट करे स्टार्ट बच्चों वी गेट स्टार्ट ओके रेडी कोई ऐसा बच्चा जो पहली बारी क्लास में आया है जो बच्चा इस वीडियो को पहली बारी देख रहा है आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब नहीं करोगे अच्छी अच्छी वीडियोस मिस हो जाएंगी ऐसा नहीं होना चाहिए सो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हर बार स्कैड्यूल जानना है कि मैम कब आते हो कब नहीं आते हो लाइव क्लास का क्या टाइमिंग है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना लाइक डिसलाइक करना तुम्हारी मर्जी है लाइक अच्छा लगा वीडियो तो लाइक नहीं अच्छा लगा डिसलाइक क्या टेंशन है है ना ठीक है यस गाइज चलो जी अब स्टार्ट करते हैं ठीक है लेट्स गेट स्टार्ट एन तैयार है क्या बात है क्या बात है हाँ जी तो ये आपकी पहला एन का पहला पेज आप देख सकते हो आए प्रकाश प्रकाश बड़ा ही एक्साइटेड और अच्छा लगता है मुझे बीच में हाँ जी ये देखो बेटा ये तुम्हारी एन बुक में दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ इकोलॉजी दिस इज द यूनिट नंबर टेन इन इकोलॉजी और इसमें क्या क्या है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर इज इको सिस्टम थर्ड चैप्टर इज़ बायोडाइवर्सिटी येस रोहित बैग हाँ जी एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल इशूज बेटा चाहे इन्वायरमेंटल इशूज़ की आप कोई इज्जत करो ना करो पर यह आपको प्यारा सा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है हर चैप्टर दो क्वेश्चन देखे जाता है तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन दो क्वेश्चन दो से तीन में मैक्सिमम लेके चलती हूँ पर दो तो पक्के हैं दो से तीन इसके हैं दो से तीन इसके हैं दो से तीन इसके हैं और दो से तीन एक से दो इसके क्वेश्चन ये वेटेज रहती है दिस इज द वेटेज इन योर नीट एग्जाम्स तो आप देख लो कितने मार्क्स हो गए यार ये कितने मार्क्स हो गए ये बच्चों सो ऑलमोस्ट यस थर्टी से चालीस थर्टी टू फोर्टी मार्क्स है थर्टी टू फोर्टी मार्क्स इन नीट एग्जाम तो क्या इस यूनिट की आप इज्जत नहीं करोगे बिल्कुल करोगे नमस्ते करो इस चैप्टर को नमस्ते नमस्ते चैप्टर प्लीज हमें पूरे यूनिट नमस्ते यूनिट पूरी की पूरी हमें तैयारी करनी है इसको अच्छे से करना थैंक यू बायो इन माय पॉकेट मैम इतना तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप वही तो बोल रही हूँ जनरली बच्चे पता क्या सोचते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बस अपने आप को फील कर लेंगे कि हम डॉक्टर हो गए भाई फील करने से क्या होता है ये कोचिंग है भैया कोचिंग मतलब आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर भी पहुंचना है बाहर से नज़ारे नहीं लेने अच्छा अंदर ये होता होगा भैया धक्का लगाना है ये कॉलेज इतना कुछ दे रहा है तो इसकी ना इज्जत करना आप ये सोचो दिस इज इक्वल टू ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑल्सो सी तो इसकी ना इज्जत करना बहुत बड़ी गलती होगी बेटा इसको बहुत अच्छे से करें अच्छा हर एक चैप्टर में मैं बताती जाऊंगी आपको क्या क्या चीज़ कर लेनी चाहिए कौन से कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए Uh, जैसे आज हम करेंगे ऑर्गैनिज्म एंड पॉपुलेशन इसमें जो डायग्राम्स है उनको भी देखना है इसमें डायग्राम के साथ साथ जो पिरामिड है उनको देखना है और सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो आ जाएंगे बेटा आपके अडेप्टेशन में से लास्ट में है ना जो चीज़ कि अमेन्सिलिज्म क्या है कमेंसिलिज्म क्या है अमेन्सिलिज्म का एग्जाम्पल क्या है पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या है प्लस जीरो क्या है प्लस माइनस क्या है माइनस माइनस क्या है तो दैट इज इम्पॉर्टेंट लिख रही है नमस्ते सा, नहीं चरण स्पर्श इस चैप्टर को बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करते हैं चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये चीज बताई हुई है पहले यार बे बेसिक कहानियाँ लिखी हुई हैं एनवायरनमेंट क्या होता है ये सब पे नहीं आ रहे हैं काम की बात पे आते हैं ठीक है काम की बात पे ये आते हैं कह रहा है कि यार हर स्टेप पे जाते जाते ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट बदलता चला जाता है बेटा पहले ही फर्स्ट पेज में जहाँ स्टार्ट करते हो ना ये डायग्राम आती है दिस डायग्राम सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो सकता है किस्मत खराब हुई तो ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा ये डायग्राम आ जाएगा और तुमको बोलेंगे इसको गायब कर देंगे बोलेंगे लेबल ए या इसको गायब कर देंगे लेबल बी इसको गायब कर देंगे लेबल सी तो इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि ए कौन सा है बी कौन सा है सी कौन सा है मोहित हम एक बारी अलग से करेंगे ठीक है अंतरा नहीं बिलाल तो नहीं बच्चों ये मुश्किल चैप्टर नहीं है चैप्टर मुझ पूरा इकोलॉजी बहुत हलवा है यार बहुत आसान है छोटे बच्चे को भी आएगा नाइन्थ के बच्चे को भी आएगा वेरी इजी इजी की टेंशन मत लो मतलब कंसिस्टेंसी रखो एटलीस्ट देख लो तो ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये चार्ट आता है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बायोम्स हैं ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं जो वेरी करते हैं एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग वाले पार्ट में ना ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की है कि ऑर्गेनिजम्स को कैसा एनवायरमेंट चाहिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं जैसे हो गया टेम्परेचर जैसे हो गया रेनफॉल जैसे हो गया सॉइल का पी ठीक है uh, ऐसी चीज़ें सो दीज आर द सर्टन थिंग्स ऐसी कुछ चीज़ें जिससे इन्वायरमेंट चेंज होता है ऑर्गेनिज्म का और जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को अलग अलग तरीके से डाल देते हैं और अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में दिखेंगे अब जैसे बेटा इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है मीन एनुअल टेम्परेचर ये देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ ये देखो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनुअल प्रेसिपिटेशन से विद रिस्पेक्ट टू एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड एनुअल टेम्परेचर डिटरमाइन किए कहने का मतलब है बारिश कैसी पड़ी और टेम्परेचर कैसा है अब बेटा एक एक्सेस पे बारिश दिखाई हुई है कि जहाँ पे बारिश फिफ़्टी uh, सेंटीमीटर से ज़्यादा हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी तो इस एक्सेस पर टेम्परेचर बढ़ता ये आ, बारिश पड़ती जा रही है सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी फोर फिफ्टी वाले जोन में हाँ और सबसे कम बारिश इधर होगी और बोलते हैं फिर टेम्परेचर की बात करते हैं सबसे लेस टेम्परेचर इधर है सबसे हाई टेम्परेचर इधर है तो अब देखना है कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो लो एनुअल प्रसिपिटेशन लो बारिश और लो टेम्परेचर पर होगा ऐसे कौन से बायोम्स हैं जो लो जो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर पर होगा तो ये चीज समझ आनी चाहिए कुछ नहीं करना है आपको इस डायग्राम के रट्टे लगाने सबसे पहला हमें सबसे आसान है भाई आर्टिक एंटर्टिक एरिया बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने आर्टिक एरिया पोल्स के पास है येस और नो टेल मी दैट आर्टिक एरिया पोल्स के पास है येस और नो ये बताओ मुझे पहले बताओ हाँ या ना हाँ या ना बताओ यार पोल्स के पास है आर्टिक एरिया बिल्कुल है पोल्स के पास तो पोल्स के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है या टेम्परेचर कम होता है पोल्स पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है हाँ पोल्स पे एकदम पोल्स पर टेम्परेचर भी कम होता है पोलर बियर जहाँ पे रहते हैं याद है तो सबसे पहले नीचे वाले एरिया पे अगर आप देखोगे सबसे नीचे ये जो डायग्राम है आप याद रखना है सबसे बारिश भी वहां पे कम है और टेम्परेचर भी कम है तो सबसे पहले आपको दिखेगा आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा क्या दिखेगा बच्चा आर्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा इसको अच्छे से अपनी आंखों में डाल दो सबसे कम क्या है एल वो है पोलर रीजन है आर्टिक रीजन एंड एल्पाइन टुंड्रा ये है फिर उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दे और रेनफॉल का रेंज यही रखे तो आप देखो आप क्या, क्या दिखता है बल्कि पचास से कम रेनफॉल में आपको डेजर्ट दिखेगा यहाँ पे देखो अच्छे से देखो बच्चों अच्छे से देखो ये देखो एक तो पचास यहाँ पे आपको ये दिख रहा है मैंने एक काम करती हूँ मैं पेन से लेबल करती हूँ थोड़ा सा ये देखो एक ये है और एक ये भी है फिर जूम करता है ये देखो जी तो इस रेंज में इसी रेंज में आपको डेजर्ट भी दिखेगा डेजर्ट में लेकिन टेम्परेचर हाई है लेकिन वहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बारिश नहीं होती तो ये वाला जो आर्क बना है ये वाला जो ऐसा एंग ये बना हुआ है स्ट्रक्चर बना है ये डेजर्ट है तो डेजर्ट भी स्टार्टिंग में ही आएगा लेकिन टेम्परेचर हाई है तो आर्टिक में टेम्परेचर लो यहाँ पे बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा डेजर्ट में लेकिन रेनफॉल कम है इसलिए ये भी फिफ्टी से पहले ही है ये हो गया फिर उसके बाद आते हैं ग्रास ठीक है ग्रासलैंड्स में थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ जाता है ग्रासलैंड में रेनफॉल बढ़ जाता है तो पहले आर्टिक आ गया फिर डेजर्ट आ गया फिर ग्रासलैंड आ गया टेम्परेचर भी ज़्यादा थोड़ा सा रेनफॉल भी ज़्यादा तो नंबर वन इज़ आर्टिक ऐसे ही लर्न करेंगे बच्चों नंबर वन इज आर्टिक पहले ये सेकेंड आ गया डेजर्ट थर्ड हमने याद किया ग्रासलैंड तो ग्रासलैंड में बारिश थोड़ी ज़्यादा लेकिन टेम्परेचर हाई ठीक है उसके बाद आगे तुम्हारे कॉर्नीफोर फॉरेस्ट कॉर्नीफोर्स कौन से होते हैं भाई जिम्नोस्पर्म्स तो आप मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म्स कैसे एरियाज में रहते हैं बताओ जिम्नोस्पर्म्स कैसे एरियाज में रहते हैं ठंडे टेम्परेचर में या गर्म टेम्परेचर में बताओ कभी आप लोग पहाड़ वगैरह साइड गए होंगे घूमने फिरने के लिए याद है पहाड़ी एरिया पे कभी गए होंगे हाँ न ट्रॉपिक्स का टेम्परेचर लगभग कॉन्स्टेंट रहता है पहले मुझे बताओ कॉनीफोरेस फॉरेस्ट यार जैसे आपके ये रहते हैं जिमनोसपर्म्स जिम्नोसपम बेटा जनरली पाए जाते हैं कहाँ पर ठंडे एरियाज़ के आसपास पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं एकदम पोलर रीजन पे भी नहीं पाया जाएगा और एकदम एकदम गर्मी में भी नहीं होगा तो कॉनीफोर्स में ये देख लो टेम्परेचर थोड़ा कम है टेम्परेचर लो है टेम्परेचर लो है और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका रेनफॉल टू तक मैक्सिमम जाता है टू फिफ्टी तक मैक्सिमम जाता है ठीक है तो ये कॉनिफोरस हो गए ये तुम्हारे कॉनिफोरस हो गए ठीक है तो मैं फोर्थ नंबर इसका लिख रही हूं सेम रेंज में टेम्परेट भी है सेम रेंज में टेम्परेट भी है सेम रेंज से में टेम्परेट भी है लेकिन टेम्परेट वालों का टेम्परेचर जो है कॉनिफोरस से थोड़ा ज्यादा होगा उसके ऊपर ये आ गए तो आप यहाँ पे इसको मैं नंबर फोर लिख रही हूँ नंबर फोर इज कॉनिफोरस नंबर फाइव इज टेम्परेट सबसे आसान है ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा बारिश होती है हाँ जी इंडिया में कौन सा ट्रॉपिकल एरिया आता है इंडिया में कहाँ आता है ट्रॉपिकल एरिया बताओ हाय गुड इवनिंग सत्याम ट्रॉपिकल कहाँ आता है भाई बताओ बच्चों कौन सा एरिया ट्रॉपिकल एरिया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बताओ शाबाश बताओ बताइए ट्रॉपिक्स में क्या आ जाएगा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अनन्या कह रही मैम कॉनिफर्स में अडाप्टेशन भी तो होता है टेम्परेचर रीजन के अकॉर्डिंग हाँ अनन्या बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैम क्या कॉनीफर्स में टेम्परेचर अडाप्टेशन है बिल्कुल है लेकिन उसके लिए वो पत्तों को छोटा कर देते हैं पत्तों को पतला कर देते हैं पर रहते वही है हाँ बेटा ट्रॉपिकल एरिया हो गया साउथ इंडिया नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं साउदर्न पार्ट साउद पार्ट को ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं जैसे साउथ इंडिया में वेजिटेशन बहुत ज्यादा है कोई हमारे पास साउथ इंडिया का बच्चा होता तो वो जरूर बताता ट्रॉपिक्स में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ रेनफॉल भी बहुत ज्यादा रहती है जी हाँ नॉर्थ इंडिया में कहाँ रहती है दिल्ली में इतनी थोड़ी बारिश हो रही है दिल्ली ट्रॉपिक थोड़ी है दिल्ली ऑलमोस्ट टेम्परेट के आसपास ही है इंडिया तो बहुत ही महान है इंडिया में सब कुछ ही मिल जाएगा इंडिया में डेजर्ट भी है ग्रासलैंड भी है कॉनिफर्स भी है आर्टिक आर्टिकल पाइन पाइंडिया ज़्यादा हो गया पर हाँ ट्रॉपिकल भी है ठीक है साउथ है तो बच्चे ये आपको रट्टा लगाना है अपनी आंखों में बसाना है तो मुझे नहीं लगता आपके लिए ज्यादा दिक्कत होगी ट्रॉपिकल को याद करना सबसे ज्यादा लंबा वाला जो है दैट इज ट्रॉपिकल तो आप याद कर लेना ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा बारिश है ठीक है तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वाले ये होंगे और यहाँ टेम्परेचर भी होती है गर्मी भी साउथ में खास कर होती है चेन्नई में देखो ह्यूमिडिटी भी कितनी ज़्यादा होती है बारिश भी वहाँ पे चलती है और गर्मी भी होती है ठीक है तो ट्रॉपिक्स में जब ऐसा हो जब बारिशें भी तेज़ हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो मॉइस्चर ह्यूमिड रहता है सो ट्रॉपिकल एरिया यहाँ पर आ गए सबसे नीचे आ गया आर्टिक उससे ऊपर आ गया कॉनिफर ठीक है उसके बाद आ गया टेम्परेट लेकिन डेजर्ट और ग्रासलैंड इधर इधर पे आ गया डेजर्ट में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है आ, कम रेनफॉल है पर हाई टेम्परेचर ग्रासलैंड में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर उतना ही लेकिन रेनफॉल ज़्यादा सो so, ऐसे आपको ये लर्न करना पड़ेगा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ आपको ना मैं एक हिंट दे सकती हूँ कि यार ये सी जैसा है कॉनीफोरस अपने दिमाग में रट्टा लगाने के लिए कि मैम कौन क्या हो सकता है तो आप ऐसे याद कर लेना ये थोड़ा सी टाइप है ये थोड़ा सी शेप है याद कर लेना ये कॉनिफोरस है ठीक है और ये याद कर लेना ये थोड़ा टी जैसा दिखता है तो ये ट्रॉपिकल है पर अब टी से इसको टेम्परेट मत बना लेना ये ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल के नीचे एक और टी है दैट इज टेम्परेट डेजर्ट आपको याद रहेगा मुझे पूरा पता है डेजर्ट एकदम साथ में चिपका हुआ है ठीक है आर्टिक भी याद रहेगा बस एक ग्रासलैंड रटा रट्टा लगाना है रहेगा याद रहेगा याद कि नहीं रहेगा याद भैया ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फोटो आ जाएगी सीधी उठ के बताओ वन क्या है टू क्या है थ्री क्या है फोर क्या है फाइव क्या है साके इस प्लांट फिजियोलॉजी डालेंगे करा है मैंने पहले ही देखो आप चेक करो छाके सर्च करो मेरे नाम के साथ आपको मेरी चैनल में भी दिख जाएगा प्ले लिस्ट देखो ठीक ठीक है है बच्चों तो लर्न लर्न ये लर्न लर्न रहेगा रहेगा सबसे नीचे आर्टिक रहेगी दोबारा आंखें बंद करके या तो दिमाग में डाल दो सबसे नीचे आर्टिक ये याद रहेगा टी से ट्रॉपिकल याद रहेगा ट्रॉपिकल के नीचे एक और टेम्परेट है वो भी याद रहेगा और सी जैसे शेप वाला कॉर्फोरस है ये भी याद रहेगा तो यार एक दो तीन चार तो तुम्हें लर्न हो ही गए अब चार के बाद ये तीन रह गए डेजर्ट ग्रासलैंड नहीं दो ही रह गए डेजर्ट और ग्रासलैंड ही रह गया लर्न रहेगा यार रहेगा रखना है बच्चे बस याद रखो ना आर्टे नीचे फिर सी जैसा कॉनिफोरस फिर टी और टी दोनों साथ साथ में बस अब ग्रासलैंड ग्रासलैंड ग्रास और डेजर्ट है मेरे ख्याल से मैंने इतनी बारी बोल दिया है ये तुम्हें याद रहना चाहिए अच्छा इसके बाद बच्चे चलते हैं आगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद ये पिक्चर्स हैं बेटा ये फ़ोटो भी आ सकती है किस्मत खराब हुई तो एनसीईआरटी से फ़ोटो उठ के भी आ सकती है कि बताओ जी कौन सी पिक्चर क्या है इसलिए ये फोटोज मैं साथ में लाई हूँ बच्चों सबसे पहले ए ए में आपको दिख रहा है बहुत बड़े बड़े आ, आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेजर बायोम्स है इंडिया के ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे गन नन गे बिजर क्या जो भी गाना ये जैसे दिख रहे हैं ना क्लाउड्स जहां पे क्लाउड्स दिख रहे हैं तो याद रख लेना ये क्लाउड्स वाला रीजन कौन सा है बारिश जहाँ पे ज्यादा होगी यानी कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये देखो ए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है याद करो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पे आपको दिखाई दे बादल गनन गन वाला तो याद कर लेना भैया ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये क्लाउड्स में ये क्लाउड जहां पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है फिर आ जाता है दूसरे वाला दूसरे में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ दूसरे में आपको नजर आ रहा है घने जंगल ये है डेसिडियस फॉरेस्ट दीज आर डेसिडियस फॉरेस्ट डेसिडियस को एक ही जगह पहले ये याद कर लो डेजर्ट डेजर्ट तो याद रहेगा सीधे बंजर जमीन ही लैंड land, ये डेजर्ट है और लास्ट में ये सी कोस्ट ये भी याद रहेगा जहां पे आपको समुद्र दिख रहा है वो सी कोस्ट है बस एक ही तो रट्टा लगाना कितनी मेहनत है ये डेसिडियस है सो दीज आर मेजर दीज आर मेजर बायोम्स इन हाई सिमी दीज आर मेजर बायोम्स इन इंडिया तो कैसे लर्न किया कैसे लर्न किया बच्चों हमने इसको कैसे लर्न किया शाबाश हमने इसको ऐसे लर्न किया ट्रॉपिक्स में बारिश है जहां पे ट्रॉपिकल कैसे लर्न करेंगे क्लाउड्स जहां पर होंगे वो ट्रॉपिकल फिर ये गंदे गने जंगल ये डेसीडियस फिर डेजर्ट तो दिख ही रहा है लैंड लैंड जैसा ये डेजर्ट और ये जहां पे समुद्र की लहरें दैट इज सी कोस्ट याद रहेगा बच्चों याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बोलो यार बताओ यार याद रहेगा कि नहीं ओके okay, भावनेश मैंने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया बच्चे मैं चेक कर लूँगी कुछ बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट होते हैं अभी दो तीन दिन से मैंने नहीं इतना ज़्यादा चलाया देख लेती हूँ ठीक है ओके okay, साकेत भावनेश नहीं यू डोंट नीड टू गो यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड एन कर लो काफ़ी है यार इसके लिए मैम शेलवी घेट द सेम पिक्चर्स इन द एग्जाम अंतरा रहा यही तो बात है यही तो गेम है यार आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगी देखो और भी दुख की बात है एनसीआर तो इतनी खूबसूरत है नहीं लेकिन फिर भी कलर्ड तो है तो हो सकता है आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए तो क्या करोगे यार इसीलिए मैंने आपको आई हैव गिविन यू दीज ट्रिक्स टू रिमेंबर इट डेजर्ट में डेजर्ट तो हटेगा नहीं जहाँ पे लैंड बना हुआ है जहाँ जमीन दिख रही है वो डेजर्ट होगा चाहे ब्लैक एंड वाइट में आ जाए जहाँ बादल दिखे तो याद कर लेना ये क्लाउड है अब ब्लैक एंड व्हाइट गने बादल गने फॉरेस्ट है तो डेसी फॉरेस्ट है जहां ये सी को सी कोस्ट नजर आएगा वो सी कोस्ट है ओके 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 साकेत देखते हैं बेटा करते हैं प्लान तो ये तो हमारे मेजर बायोम्स थे आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद एनसीआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जिसका नाम है नीश आपको क्या लगता है बच्चों नीश का क्या मतलब नेक्स्ट पेज पे है लेकिन व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट्स ऐसा क्या है जिससे ये अलग अलग हैबिटेट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली यार डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है टेम्परेचर हो गया वाटर हो गया बारिश हो गई सॉइल हो गया इन सारी चीज़ों से ये सारे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इससे हैबिटेट नहीं पता चलता है हैबिटेट में बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट दोनों मिलके इंसान का एक आ, मतलब जो भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग बनते हैं ऑर्गेनिजम्स बनेंगे जैसे पैथोजेंस कैसे हैं पैरासाइट्स कैसे हैं प्रिडेटर कैसा है कॉम्पिटेटर कैसा है, है, है इन सब के साथ इंटरेक्ट करके ही डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनती है एनिमल्स की अच्छा नीच किसको कहते हैं यार दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म नीच किसको कहते हैं बेटा सेपरेट सेपरेट भावनिश बाव, सेपरेट बताओ भाई नीश किसको कहते हैं बच्चों वॉट इज नीश वॉट इज नीश ओके सिमी यार ये पहले अभी वन शॉट में पढ़ लेते हैं मैं प्री फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ डार्लिंग टेंशन मत ले फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ पहले मुझे बताओ भाई नीच किसको कहते हैं बच्चों सरिता यस सरिता मैंने मोलिक बेसिस भी करा दिया है प्लीज एक बार ही चेक करो बताओ बच्चों व्हाट इज अ नीश व्हाट इज अ नीश गाइस चलो तुक्का मार दो कोई दिक्कत नहीं है किसको बोलेंगे नीश किसको बोलेंगे देख रहे प्लेस और पोजिशन दैट पर्टिक्युलर अप्रोपरेट और तो दिख रहा है मुझे तुम लोगों के आंसर इज अ पोजिशन दैट इज पर्टिकुलर देखो भाई नीश का मतलब है कि एक हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शनल रोल है क्या वो काम करता है ठीक है कौन से कंडीशंस पे वो सरवाइव करता है और कौन से न्यूट्रिएंट्स को वो खाता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन में लिखवा देती हूँ नीच का मतलब क्या है जैसे मैं किसकी एग्जाम्पल की बात करूँ ह्यूमन की बात करते हैं ठीक है ह्यूमन का नीच क्या होगा ह्यूमन का नीच तीन चीजों से या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीच तीन चीजों से डिस्क्राइब होता है कंडीशंस इट कैन टॉलरेट कंडीशंस इट कैन टॉलरेट जैसे कि यार हम कितनी गर्मी सरवाइव कर सकते हैं ठीक है ऐसा तो नहीं है हम 100 डिग्री भी सरवाइव कर जाएंगे हमारा एक रेंज है ज्यादा ज़्यादा पचास डिग्री इससे ज्यादा तो नहीं इससे ज्यादा तो नहीं ठीक है तो नंबर वन कंडीशंस कितनी हम टॉलरेट कर सकते हैं नंबर टू किन रिसोर्सेस पे हम रहते हैं ऑब्वियसली हम प्लांट्स पे ज्यादातर निर्भर हैं एनिमल्स पे इतने नहीं है एनिमल्स पे तो तुम यार ऑप्शनल है अगर आप एनिमल नहीं खाओगे फिर भी आप जिंदा रह सकते हो पर अगर आप प्लांट ही नहीं खाओगे तो कैसे रहोगे या पानी कैसे खाओगे पियोगे तो कैसे रहोगे सो डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इट्स यूटिलाइज ये यूटिलाइज कर रहा है एंड फंक्शनल रोल क्या है इको सिस्टम में हमारा फंक्शनल रोल क्या है यार वॉट इज अवर फंक्शनल रोल इन इको सिस्टम बच्चों हम कंज्यूमर्स हैं हम कुछ नहीं है हम प्रोड्यूसर नहीं है हम कंज्यूमर हैं तो ये चीज़ें इसको आप नीच बोलते हो तो नीच का क्या मतलब है कौन सी कंडीशन पे हम सर्वाइव कर सकते हैं याद करना भाई अगर नीट में क्वेश्चन आया मेरी बातों को याद करना थोड़ा सा याद आ जाएगा पहली बात मैंने कही थी कि हम हंड्रेड डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर सकते तो कौन सी कंडीशन पे हम सर्वाइव करते हैं नंबर वन नंबर टू हम क्या क्या चीजों पर एज अ रिसोर्स यूज करते हैं यानी कि सॉरी यानी कि डायवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो और तीसरा हमारा क्या रोल है ऑब्वियसली हम कंज्यूमर से हमारा यही रोल है हम ऑटोट्रॉफ नहीं है हम हेट्रोट्रॉफ हैं ठीक है सो दिस इज योर वॉट बेटा जी दिस इज योर नीश तो नीश याद रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म है याद कर लीजिएगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंडीशंस को टॉलरेट डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज एंड फंक्शनल रोल ये तीन चीजें इसको आप नीच कहते हो इसको आप नीच कहते हो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इस वाले डायग्राम पर आते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स में ये वाला डायग्राम बेटा ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में देखा है और मैं आपके लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज लाऊंगी आपको भी दिख जा दिख जाएगा ये क्वेश्चन टू ट्वेंटी थ्री पेज नंबर पर है ये आ, ये डायग्राम यस वी आर अल्टीमेट कंज्यूमर्स यस आंतरा बेटा ये डायग्राम आपको ज़रूर पूछेंगे देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले मेरी बात सुन लो दिमाग में डालो मैं क्या बोल रही हूँ उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं बेटा देखिए अगर हम अपनी बात करें हाय अमरचंद्रा देखो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यार वी गाइज रिस्पॉन्ड टू ए बायोटिक फैक्टर्स ठीक है चाहे वो ए बायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स पे हमारा कुछ रिस्पॉन्स है जैसे कि कैसे टेम्परेचर है जैसे कि टेम्परेचर कैसा है जैसे कि पीएच कैसा है रेनफॉल कैसी है, है ना तो सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी इस धरती पर हैं वो तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है ठीक है नंबर वन कैटेगरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका अगर एक्सटर्नल लेवल से कोई ए बायोटिक फैक्टर बढ़ता जाए उनका इंटरनल लेवल भी बढ़ता चला जाएगा कहने का मतलब तू मुझे बताओ आ, क्या ऐसा है अगर हम आर्टिक रीजन में चले गए जाते हैं ना पोलर रीजन पे साइंटिस्ट जा सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर था थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बाहर गए मतलब हम लोग गए माइनस में चले गए सियाचिन चले गए सि, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी बॉडी का एम्बियन टेम्परेचर भी माइनस हो जाएगा इज इट पॉसिबल यस और नो बोलो बताओ पॉसिबल है यस और नो ऐसा no, हमारे साथ तो 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 केस नहीं है है भाई हम तो 37 के 37 पे अटल रहेंगे है? Human beings तो 37 temperature पर ही रहेंगे ठीक ही ऐसे जिनकी जिंदगी में एक्सटर्नल लेवल कितना भी बढ़ जाए इंटरनल लेवल कॉन्स्टेंट रहेगा ये देखो रेड कलर वाले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बेटा जी हम लोग बोलेंगे रेगुलेटर्स तो नंबर वन आपने पढ़े रेगुलेटर जिनका एक्सटर्नल लेवल कितना भी बढ़े इंटरनल लेवल भी अगर एक्सटर्नल लेवल एक साइड पे लिखा है इंटरनल दूसरे पे लिखा है लेकिन अगर इस पर कोई चेंज ना आए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बच्चों क्या दीज आर कॉल्ड रेगुलेटर्स लाइक दिस रेड लाइन सो दिस इज ह्यूमन बींग्स हाँ दिस इज ह्यूमन बींग्स हम लोग ये हैं रेगुलेटर्स अच्छा फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं मान लो कुछ फिशेज हैं ठीक है कुछ फिशेज हैं उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन पे उनकी बॉडी काम करती है मान लो एक जैसे मान लो कि जैसे कुछ फिशेस नहीं होती हैं कुछ फिशेस होती हैं जो कि सिर्फ नमक वाले पानी में मिलती हैं और कुछ फिशेज़ होती हैं जो सिर्फ आ, फ्रेश वाटर में मिलती हैं ठीक है और कुछ फिशज़ ऐसी हैं कह रहा है कि मान लो किसी जगह पर एक्सटर्नल लेवल बढ़ता गया मान लो सॉल्ट लेवल बढ़ता गया उन्होंने अपने अंदर का भी ऑस्मोटिक लेवल बदल दिया मतलब जो बाहर है उसी को अपना एम्बियंट टेम्परेचर बना दिया एम्बियंट उन्होंने उसी चीज़ को एम्बियंट अपना कंडीशन बना लिया तो ऐसे बंदों को हम बोलेंगे कन्फॉर्मर्स क्या बोलेंगे ऐसे बंदों को हम लोग बोलेंगे कन्फॉर्मर्स मतलब जो बाहर दल बदलूँ मतलब अपना स्टैंड नहीं है जैसे ह्यूमंस में अपना स्टैंड है भैया हम थर्टी सेवन है तो थर्टी सेवन ही रहेंगे थोड़ा चार पाँच डिग्री कर लेंगे या दस डिग्री कर लेंगे पर इससे ज़्यादा नहीं ठीक है हम रेगुलेटर हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास तुम्हारे जितना एनर्जी खर्चने का बैलेंस नहीं है रिजर्व नहीं है क्योंकि रेगुलेट करना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है हमेशा ये एनर्जेटिकली एनर्जी बहुत खर्चनी पड़ती है इसके लिए क्या होता है बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं भैया हमसे इतना टंटा ना हो पाएगा हम चुपचाप करके कंफर्म कर लेंगे जैसा एक्सटर्नल है वैसा इंटरनल कर लेंगे ये कन्फर्मर हो गए नंबर टू फिर कुछ आते हैं हिपोक्रेट्स ये हो गए नंबर टू कन्फर्मर फिर आते हैं तीसरे हिपोक्रेट्स हिपोक्रेट्स क्यों बोला मैंने इनको दल बदलू मैंने इसलिए बोला कि पहले बोलते हैं कि यार चलो हम कुछ देर तक रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं हम कुछ देर तक रेगुलेट करेंगे कुछ देर तक हम रेगुलेट करेंगे एज इन हम ना कुछ हद तक पहले अपना वो एनर्जी खर्च करके बाहर चाहे चीज़ें बदले ना बदले हम कांस्टेंट रहेंगे लेकिन फिर बाद में उनको लगता है भैया अपने बस की बात ना है चुपचाप करके कन्फॉर्म कर लो तो ये आधा ग्राफ इनका कन्फॉर्मर जैसा है आधा ग्राफ इनका रेगुलेटर जैसा है तो इसलिए कुछ तीसरे वाले जो मैंने लिखे हैं दीज आर पार्शियल रेगुलेटर्स ठीक है ये भी कुछ फिशेज ही करती हैं दीज आर ऑल्सो सम फिश ओनली ठीक है तो याद रहेगा बच्चों ये डायग्राम याद रहेगी इसको भी बेटा ऐसे गायब करके तुम्हें पूछ लिया जाएगा कि टेल अस वॉट इज विच वन इज कन्फॉर्मर विच वन इज रेगुलेटर विच वन इज पार्शियल रेगुलेटर ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा कौन सी डायग्राम में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है सो so, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने का पूरा स्कोप याद रहेगा हाँ जी बच्चों याद रहेगा टेल मी गाइज टेल मी गाइज याद रहेगा ठीक है बाद में बदल जाते हैं हाँ जी गगन दी बिल्कुल सही पहले पहले कोशिश करते हैं बाद में बदल जाते दल बदलू बाद में बदल जाएंगे ना पहले नहीं बदलेंगे पहले पूरी एक्टिंग करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं उसके बाद आ, बदल जाएंगे ठीक है हाँ जी मेडिकल इंक्वायरी आ रही हूँ क्वेश्चन पे आ रही हूँ ठीक है तो यार ये चीज हमने और यहाँ पे एनसीआरटी ने एक लाइन लिखी है हम लोगों के पास ऐसा क्या है कि हम रेगुलेट कर जाते हैं यार हम लोग हेमियोस्टासिस कर लेते हैं ये मुझे पता है बचपन से आपने पढ़ाई होगा सिस कर लेते हैं यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल को मैनेज uh, कर लेना इसमें वही स्टोरी लिखी है जो मैंने आपको समझाया नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है जो ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम पे ध्यान दो बाकी वही चीज लिखी है मैंने सारा वही चीज कराया है ये होम्योस्टाइसिस पे ध्यान दीजिएगा ठीक है hmm. कुछ फिशेज नॉट इवन ऑल द फिशेस सम फिशेस कैन बी पार्शियल रेगुलेटर्स ठीक है तो ये तुम देख लो बच्चों रेगुलेट के बारे में यहाँ पे आ सकते हो यहाँ देखो रेगुलेटर्स की एग्जाम्पल क्या है सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू हम लोग हो गए ना रेगुलेटर्स मेंटेन ह्यूमोस्टेसिस विच इंश्योर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिबरेट स्पीशीज ठीक है एंड अ वेरी फ्यू एंड इनवर्टिबरेट स्पीशीज़ आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन इनवर्टिब्रेट्स भी कर सकते हैं ठीक है अब कहता है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि सक्सेस ही हमारी इसलिए हुई क्योंकि हमारे में हिम्मत हुई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की चाहे हम अंटार्क्टिका में जाएँ चाहे हम सहारा डेजर्ट में जाएँ सारा डेजर्ट में जाएंगे तो पसीने आ जाएंगे सर्दियों में गए तो हम वो फिर दांत से खच खटचे छेरने चे, चे, लग जाएंगे ऐसे दांत हमारे कांपने लगते हैं ना वो ऐसे खटखट खटखट होने लगता है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है आई विनायक साहब मानसी आई डार्लिंग डायग्राम कन्फ्यूज है पार्शल रेगुलेटर्स के मुझे भी पता है विनायक आपको पता है डायग्राम मेरे हिसाब से भी पता है कैसा होना चाहिए ठीक हो जाना चाहिए अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है ये गाइस प्लीज टेल मी या हाँ जी आ गया ठीक है यार दो मिनट तो वेट किया करो तुम लोग कब मैं, मैंने बताया, मेरे पास इंटरनेट है यार अगर एक उड़ जाता है तो दूसरे पे पहुंचने में उसको थोड़ा वक्त दो तो सांस तो लेने दिया करो यार ठीक है थोड़ा सा बेचारे लाल हो जाता है एक वाले की बत्ती तो दूसरा जल दूसरा जंप होने में टाइम लगता है ठीक है अच्छा कमिंग बैक पे ठीक है ये मैंने आपको बता दिया बच्चों ये सारा मैंने समझा दिया ठीक है यहाँ एग्जाम्पल याद रखना है कौन कौन से हो गया भाई ऑल प्लांट्स एनिमल्स साथ में इसको भी याद रखें शुरू के बारे में भी याद रखें और हमिंग बर्ड भी हो सकता है तुम्हें ऐसे पूछ लिया जाए सिलेक्ट द वन आउट विद रिस्पेक्ट टू कन्फॉर्मर्स तो उसमें आपको हो सकता है ये सारी चीजें लिखी हो और आप सोचो कि मैम शुरू और हमिंग बर्ड तो नाम ही नहीं सुना था तो शुरूज हमिंग बर्ड है। है? है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आ जाता है यार ये सबसे मस्त वाला है माइग्रेट और सस्पेंड ये दो और तरीके हैं जो उस चार्ट में नहीं दिए लेकिन आपको ये पता होना चाहिए माइग्रेट का क्या मतलब है? यार, तुम्हें तो पता ही माइग्रेट करना चले जाना यार आपने देखा है कई बार हम टीवी में नहीं सुनते हैं कि इस साल हमारे को बड़े सारे वो बन गया था, था।, आ... क्या यार? बड़ा ट्रोल नहीं हुआ था क्या था वो टिडो का ग्रुप क्या था यार उनका नाम वो कौन था यार क्या नाम थे यार क्या बोलते थे उनको मैं नाम भूल गई यार कौन थे यार वो कोरोना में था जो इनको बड़ा मजाक बनाया कि काश मैं वो होता टिड्डे का नाम क्या था यार बच्चों बताओ ना कार्तिक राजा हाय वो वो फ्लाइज़ नहीं थी 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 जो चली जा रही थी, उड़ी जा रही रही में चलो जब तक तुम मुझे बताओगे तब तक मैं आगे बढ़ा देती हूँ तो बेटा मैं ये बताना चाहती हूँ टिड्डे हाँ डॉल्फ़ डॉल्फिन कहाँ आ गया विनायक डॉल्फिन पे कहा पहुंच गए तुम अरे वो थे नहीं कोरोना में जो बहुत ज्यादा उड़ रहे थे ये देखो जरा अफगानी डाइट ये देखो जरा टैलेंटेड अरे आओ चलो लीव इट लीव इट ठीक है हाय कौशिक हाय हेलो हाँ, हाँ जो भी टिड्डे थे सुनो मेरी बात माइग्रेट का मतलब है यार मान लो एक जगह पे टेम्परेचर पीएच अच्छा नहीं है भाई हम लोगों की तो मजबूरी है हमें तो अपने घर में बैठना पड़ेगा पर सुनो खोश सुनो इन सोचो इन अच्छे पक्षियों की जिंदगी इनके तो मजे हैं ठीक है हम जैसे दिल्ली टू शिमला जा सकते हैं गर्मियों की छुट्टियों में करोना में तो खैर वहाँ पे भी नहीं गए लेकिन एक ऐसा इंसान है एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी माइग्रेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली बर्ड्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ये अपना निकल लेते हैं ठीक है हमने ये पढ़ा है क्यूलोडो नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्यूलोडो नेशनल पार्क भरतपुर में बहुत सारे राजस्थान में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं कहाँ से आते हैं साइबेरिया से आते हैं और कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आते हैं तो जब उनको बहुत ठंड लग रही होती है तो कहते हैं चलो यार गर्मी लेने के लिए राजस्थान में चलते हैं हाँ विनायक ने अभी याद कराना लोकस्ट यस हम्म कराची टिड्डा पाकिस्तानी टिड्डा ये देखो जरा बस तो यहाँ पे याद रखना है कि एक तो डोरमेंसी कौन करता है सस्पेंड करने का मतलब क्या यार शांत हो जाना गंदे माहौल को जाने दो अच्छा जब तक नहीं चल रहा है उसको जाने दो है ना उसको बोलेंगे सस्पेंड करना तो प्लांट्स क्या करेंगे डोरमेंसी करेंगे लेकिन एनिमल्स के केस में विंटर स्लीप और समर स्लीप होती है ठीक है एनिमल्स के केस में विंटर स्लीप और समर स्लीप होती है जैसे बियर्स जो है बालू जो है वो सर्दियों में जो सो जाते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं तो वो एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए सो जाते हैं यार काश मेरे को भी मौका मिलता है हाइबरनेट करने का मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही मैं बियर ही क्यों नहीं थी यार यार। जीवन में कुछ अच्छा ना हो तो काश हाइबरनेट ही कर सकते काश ऐसा पॉबल होता मैं तो फिलोसफिकली हो गई ये सोचते सोचते चलो यार उसके बाद जानते हैं स्नेल्स और फिशेस को ये भी मस्त है इनको गर्मियों में बहुत दिक्कत हो गई ना तो ये एस्टिवेशन कर लेते हैं हीट से गर्मी से बचने के लिए जू प्लैंकटन सस्पेंड कर लेते हैं डायपॉज करते हैं तो ये तीन वर्ड्स याद करना है तीन वर्ड्स याद करना है तीन वर्ड्स कौन कौन से बेटा एक वर्ड याद करना है चार वर्ड्स है डोरमेंसी हाइबरनेशन एस्टिवेशन डाइबी आई होप इट इज विजिबल नहीं है विजिबल मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ यार आज पता क्या हुआ एक चीज बताऊं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं डायपॉज ज्यादा हो जाएगा सह नहीं पाओगे तुम लोग छोड़े चलो डोरमेंसी की एग्जाम्पल दे रही थी मैं डॉरमेंसी क्या है डॉरमेंसी कौन करेगा भाई सीड करेगा प्लांट सीड करेगा हाइबरनेशन कौन करेगा पोलर बियर करेगा ठीक है बियर करेगा एस्टिवेशन कौन करेगा भाई एस्टिवेशन करने के लिए आ जाएंगे तुम्हारे स्नेल एंड फिशेस स्नेल एंड फिशेस ये करेंगे और डायपॉज कौन करेगा यार चलो रहा अब वीडियो सही आ जाएगी ठीक है अभी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी है ना गाइस इट इज गोइंग टू बी फाइन एब्सोल्युटली फाइन हाँ यार मैं ये शेयर कर दी पता क्या हुआ आज आई वाज टीचिंग समवेयर एंड एक बच्चा कहता कि मैम बहुत पढ़ा मतलब मैं बोर हो गया आपके पढ़ाने से तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार रैंडम एक तो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं और फिर बोल के भी चले जाते हैं कि मैम बोर हो गए अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब समटाइम्स आई फील इवन आई एम टीचिंग ऑन फ्री प्लेटफॉर्म्स इट इट इज वेरी बच्चे पता नहीं कैसे बदलते चले गए हैं बदलते जा रहे हैं बच्चे चलो कोई नहीं कहा मैम है यार बड़े गम है जीवन में ऑफलाइन <laughs> में नहीं ऑनलाइन में ही था कहीं यार चलो कोई नहीं गोली मारो सॉरी फॉर दैट कोई बात नहीं यार छोड़ो यार छोडो क्या कर सकते हैं है सो है है ना जो सॉरी वाली क्या ये जाऊ काश में भी स्नेल या फिश होती तो मैं एस्टिवेट कर जाती, एस्टिवेशन करती, पोलर बियर होती तो मैं हाइबरनेशन करती पर मेरे को सबसे अच्छा ना पोलर बियर बनना लगता है ठंड में एकदम सो जाओ कर जाओ सबसे मस्त है वो हाय काशिना थैंक यू ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आते बच्चे अडेप्टेशन पे अडेप्टेशन से सवाल आना ही आना है आना ही आना है मतलब आना ही आना है एक अडेप्टेशन पर और एक इंटरक्शन पर यस किलर जाएगा हाँ जी अच्छा अब यहाँ पे हम आते हैं अडाप्टेशन की बात करते हैं अडाप्टेशन का मतलब क्या यार अडाप्ट करना इसमें कोई बड़ी ज़्यादा तोप इंग्लिश नहीं है अडाप्ट का मतलब अडाप्ट करना सिंपल जब कुछ चीज़ें सही नहीं हो ये देखो क्या लिखा है माइग्रेटिंग टेम्प्रोरली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिट ये देखो यार तभी तो, तो मैं आ गई तुम लोगों के पास माइग्रेट कर गई मैं अपनी यूट्यूब वाली ऑडियंस के पास यूट्यूब वाले बच्चों के पास इट इज़ नॉट अ लेस स्ट्रेसफुल इट रज़ अ हैप्पी हैबिटेट तो यार जब कभी भी हम किसी लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट पे चले जाएंगे उसे अडेप्ट करना कहेंगे और यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं नंबर वन यार कैंगरू रैट की एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैंगरू रैट कहाँ पर पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में अब यार डेजर्ट में पानी भी कम होगा बेचारे को पानी मिलेगा नहीं तो ये अपनी इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट्स को कैसा पूरा करेगा ये क्या करता है ये अपने फैट्स को तोड़ देता है जिसमें पानी ऐसा बाई प्रोडक्ट निकलता है वो कितना मस्त है ये कितना मस्त है कैंगरू रैट तो कैंगरू रैट पहली अडाप्टन नंबर वन अडाप्टेशन कैंगरू रैट कहाँ पाया जाता है डेजर्ट में पाया जाता है तो डेजर्ट में पाया जाता है और ये क्या करता है भाई इट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल वाटर रिक्वायरमेंट्स भाई क्या करता है ये पहली चीज ये करता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इंटरनल इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन एक सेकेंड इंटरनल इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन तो फैट्स को तोड़ने से एज अ बाई प्रोडक्ट इसको पानी मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट इसको वाटर मिलता है तो यहां से भी और क्या करता है साथ में अपनी फीसीज बड़ी ड्राई कर देता है यानी कि देखो ये नहीं सोचता कि एक करटा में मुझे पानी वेस्ट करना चाहिए सेकेंड इज ड्राई फीसीज पास करना ठीक है ड्राई फीसीज पास करना जिससे कि Uh, नहीं विनायक वहाँ पे नहीं सुषमा ओके शांत हो जाओ यार ओके गाइस हेलो ड्रीमर पर्सन आए गाइस नो प्रॉब्लम मेडिकल इंक्वायरी कभी भी देखो यार कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, काशीनाथ कितने प्यारे बच्चे भी है ना हमारे पास चलो कमिंग बैक इधर आ जाओ आ जाओ सिलेबस खत्म करना है भाई ये इसको वन शॉट में खत्म करना है पहली चीज़ मैंने ये बताई थी कैंग्रू रैट वाला कि क्या करता है भाई फैट ऑक्सीडेशन करता है पानी जैसा बाई प्रोडक्ट निकलता है और कॉन्सेंट्रेट कर देता है अपने यूरिन को ये भी है यूरिन कॉन्सेंट्रेट करता है सो दैट मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अच्छा ड्राई फीसीज भी है और ये भी है मैंने लिखा नहीं इसको लिख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करना मतलब यूरिन भी इसका बहुत थिक होगा ठीक है ना कॉन्सनट्रेटेड यूरिन कि पानी उसमें वेस्ट नहीं करेगा ये कितना स्मार्ट है भाई तो ये इसका अडेप्टेशन है कम पानी वाली जगहों में बचने के लिए ठीक है ठीक है नहीं किलर जाए शांत हो जाओ यार ठीक है मस्त okay, okay. वाला एग्जाम्पल दैट इज कैम वाले प्लांट्स कैम प्लांट्स जैसे कि अपंछिया वाले प्लांट्स तो so, यार कैक्टस प्लांट में क्या खासियत है कैक्टस में क्या खासियत है भाई कैक्टस में क्या खासियत है थे? बताओ को बोलते है. और opunchia, opunchia. ये क्या करता है भाई? और में सबसे अच्छी चीज इसने अपने पत्तों को स्पाइन बना दिया है लीव्स टर्न इन टू स्पाइंस तो यार अगर लीव स्पाइन में टर्न हो रहा है तो इससे क्या कमाल होगा इससे क्या कमाल होगा इससे क्या कमाल होने वाला है अगर लीव्स स्पाइंस में बदल गए यार अगर लीव स्पाइन में बदल जाते हैं तो लीवस में क्या होता है यार पोर्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स होते हैं इससे ट्रांसपेरेशन हो सकती है पानी बाहर निकल सकता है इसने क्या किया रोको ठहरो मैं ना अपने पत्ते रहने ही नहीं दूंगा मैं क्या करूंगा इन पत्तों को कांटे बना दूंगा आओ जरा हाथ लगा के तो दिखा तो प्लांट्स को कोई खा भी नहीं पाएगा कांटे लग जाएंगे और इसने अपना ट्रांसपेरेटरी लॉस भी बचा लिया साथ में थिक क्यूटिकल भी होता है कुछ प्लांट्स में थिक क्यूटिकल भी होता है ठीक है यार कौशिक बेचारे को तंग मत करो यार ये बिचारा प्यारा बच्चा है लीव इट गाइज डोंट टेक इट सो फार लीव इट ठीक है तो हाँ जी पहली चीज हमने क्या बोली डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है खासकर थे क्यूटिकल होता है ताकि मैंने क्यूटिकल बताया था ना जैसे हम लोग एड में लगाते हैं वैसलीन हमारे ऊपर लगा के पर, प, पुरक्षा सुरक्षा कम, कवच बन जाता है पानी लूज नहीं होगा वैसे ही क्यूटिकल क्या है प्लांट्स की वैसलीन है तो क्या करेगा भाई ये क्या करेगा मिनिमाइज करेगा वाटर लॉस को क्योंकि वैसलिन थिक वैसलिन है थिक क्यूटिकल है हाई फॉल क्रॉस को, को हाई बच्चे हाय बेटा आ जा आ जा ठीक है दूसरी चीज स्टोमेटा को भी बहुत छुपा के रख दिया है सनकंस स्टोमेटा कि वाटर लॉस ना हो सके और कईयों ने तो कैम्प पाथवे भी बना दिया है ताकि स्टोमेटा दिन में खुले ही ना सिर्फ रात को खुले ठीक है अपंछिया ने तो और कमाल कर दिया कि लीव्स ही नहीं रखे कि तुम क्या मुझे ट्रांसपायर कराओगे <laughs> शांत हो तो, तो इसमें क्या है आप ये देखोगे कि क्या है फोटो सिंथेटिक फंक्शन इज टेकन बाय फ्लैटन स्टेम चलो बताओ मुझे फ्लैटन स्टेम अगर फोटो फोटो सिंथेस करती है तो उसको आप क्या बोलते हो क्या बोलते हो उसको क्या बोलते हैं उसको शाबाश बोलो भाई बताओ क्या बोलते हो क्या बोलते हो उसको फाइलोक्लेड क्लाडोड चलो मैं आज इसका आंसर नहीं दे रही हूं तुम आज मुझे कमेंट में रिप्लाई करके दोगे कि क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फ्लैट स्टेम को इज इट कॉल्ड क्लाडोड इज इट कॉल्ड फाइलोक्लेड इज इट कॉल्ड फिलोक्लाड दिस इज योर जॉब यू विल डू योर होमवर्क दिस इज योर होमवर्क ठीक है होमवर्क करके लाएंगे सारे यस मेडिकल यस लिव ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को टू प्रिवेंट ट्रांसपेरेशन जी हाँ क्योंकि जब वो कांटे बन जाएंगे ना तो वो उनमें वो पोर्स रहेंगे नहीं ठीक है होमवर्क करके आएंगे नेक्स्ट आ जाता है बच्चे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बेटा ये तीनों ग्राफ्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूर सवाल में आएगा जरूर सवाल में आएगा जरूर सवाल में आएगा कि एक्सपैंडिंग स्टेबल और डिक्लाइनिंग में क्या डिफरेंस है भैया एज पिरामिड्स बताए हुए हैं इनमें जरूर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पता क्या आएगा इन फोटो से आइडेंटिफाई करो कौन सा डिक्लाइनिंग है कौन सा स्टेबल है कौन सा है सबसे पहले हमारा भारत महान पे होंगे हम कौन से होंगे बताओ यार मुझे लगता है इट इज अ नो ब्रेनर हा हर कोई आंसर दे सकता है भारत कौन से वाले पर है इंडिया हमारा महान कहां पर होगा क्या लगता है भाई बताओ बच्चो सबको पता है भाई हमारा भारत महान एक्सपैंडिंग 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 नंबर वन नंबर वन जी हाँ नंबर वन एक्सपैंडिंग हमारा भारत महान यस 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 भारत महान इज एक्सपैंडिंग तो एक्सपेंडिंग क्यों है हमारा क्योंकि अगर आप यहाँ बेटा ध्यान से देखोगे प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव कौन हो गया रिप्रोडक्टिव हो गए कौन से वाले बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव हो गए जिनका जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे ठीक है यूप्यूबर्टी जिनमें नहीं है ठीक है जी ठीक है तो सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे हो गए तो हमारे पास इधर भारत में इंडिया ही सबसे ज़्यादा है इंडिया बच्चे सबसे ज़्यादा है इसलिए कहते हैं कि इंडिया हैज़ गॉट मोर यूथ दे फोर इंडिया हैज़ गॉट मोर यूथ पावर वो अलग बात है यहाँ पे यूथ डजन हैव एनी पावर बट दैट्स अ अड फैक्ट लेकिन ये बात सच है तो एक्सपैंडिंग सबसे ज़्यादा हमारे पास बच्चे यहाँ पर फिर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कम है जवान लोग कम है लेकिन उससे भी ज़्यादा उससे कम हो रहे बूढ़े लोग पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम तो ये बिल्कुल सही है इस हिसाब से तो यही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पॉपुलेशन कर्व कैसा होगा पिरामिड कैसा होगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा एक्सपेंडिंग ये yes, बहुत बच्चे ठीक है जी हमारा भारत महान एक्सपैंडिंग पे आता है शर्म की बात यह है दोस्तों कि चाइना भी एक्सपैंडिंग था लेकिन चाइना वालों ने शर्म कर ली उन्होंने स्टेबल बना लिया अपने आप को जितने जितने रिप्रोडक्टिव उससे रिप्रोडक्टिव और बच्चे जो है मार्जिनली बच्चे आ, क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव मार्जिनली थोड़े से कम होंगे बच्चों से बच्चे और बड़े ऑलमोस्ट बराबर ये देखो ब्लू कलर के दो और येलो का एक बराबर है एक येलो और ये ब्लू एक जितना ही है तो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है पहले पता है अः या आपको पहले पता है क्या था चा, चाइना ने कैसे चाइना बड़े बेदर्द लोग हैं वैसे वो क्या करते हैं बूढ़ों को ना ऐसे धक्का दे देते हैं जाओ मरो तुम तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है ऐसे भी उन्होंने कंट्रोल किया उन्होंने इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ निकाली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकाली कि दो से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते और अभी योगी आदित्यनाथ ने भी अभी फ़िलहाल अभी न्यूज़ में बोला है यूपी में अगर तुम्हारे दो से ज़्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो यह अब हमारी भारत सरकार जाग रही है ये पहले से ही जागरूकता होती तो हम थोड़े से कंट्रोल में होते थोड़ी सी कंडीशन हमारी ठीक होती पॉपुलेशन की वजह से इतने इतने कष्ट ना होते जी हाँ यस वन चाइल्ड पॉलिसी भी लाए चाइना वाले तो उन्होंने बराबर कर दिया और लोग और बूढ़ों को तो धक्के ही दे दिया ये तो बदतमीज़ी होगी वैसे ठीक है तो ये इन्होंने अपने आप को सम्हा कुछ कुछ ना कुछ करके स्टेबल कर दिया फिर आ गए अमेरिकन हमारे कि भैया हम क्यों बच्चे लाएं इस धरती पे हमारे खुद के मज़े हमारे खुद के जीवन में मज़े चलने चाहिए ऐश चलनी चाहिए बच्चे लाके कौन रिस्पॉसिबिलिटीज लेगा कौन उनको पालेगा पोसेगा उनकी पढ़ाई करवाएगा नीट की कोचिंग करवाएगा या डॉक्टर बनवाएगा भाड़ में जाए बच्चे बच्चे करने ही नहीं हम सिर्फ खुद ही जवान लोग ज़्यादा रहेंगे तो ये देखो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर इन नंबर और उनके बच्चे ही नहीं होते फैमिलीज ही नहीं होती फैमिली कल्चर ही नहीं है है ना तो बूढ़े लोग भी ठीक ठीक है पर बच्चे सबसे कम है वो डिक्लाइनिंग है तो यूएस यूएस में तो अप्रिशिएट करते हैं लोगों को कि हां जी आपके दो तीन बच्चे होने चाहिए पर वो इतना लोड ही नहीं लेते इतना टेंशन ठीक है जी तो ये है आपके तीन तो इसमें आप कंट्रीज के नाम लिख सकते हो इसमें आप कंट्रीज के नाम लिख सकते हो नंबर वन भारत महान आईओ इंडिया अपना एक्सपेंडिंग कभी तो सुधर जा चाइना हो गया स्टेबल और डिक्लाइनिंग में आ गई यूरोपियन कंट्रीज यार आपको पता है सारे भारतीयों ने जाके यूरोपियन कंट्रीज पे तो धाबाई तो बोल दिया ना इंडियन जाते वहां नौकरियां कर लेते हैं वहां पे अपने घर बसा लेते हैं तो क्योंकि उन्होंने तो इतने किए ही नहीं बच्चे तो उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा वहां पे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं पता ना आपको ये चीज अनएम्प्लॉयमेंट वीज़ा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते मतलब अगर तुम तुम्हें नौकरी नहीं मिली तुम्हें कुछ नहीं मिले तो तुम्हें बेरोजगार रहने के भी पैसे मिलेंगे तो आप सोच रहे हो क्योंकि उधर रिसोर्सेस आता है और पॉपुलेशन कम है तो अगर हमारे इंडिया में भी ऐसा होता तो शायद हम भी कुछ कंट्रोल कर पाते पर यहाँ पे तो देखो कॉम्पिटिशन ही कितना है सब के सबको डॉक्टर बनना है कितने बीस लाख बच्चे देते हैं नीट का एग्जाम चौदह लाख का तो सिलेक्शन ही नहीं होता है वो भी मैं मैं कम बोल रही हूँ शायद मतलब मैक्सिमम का तो होता ही नहीं है सोच रहे हो कंपटीशन कितना टाइट है इसलिए तुम्हें इतनी बारी पढ़ना पड़ रहा है इतना टाइट कंपटीशन है रीजन इसका ये नहीं है कि कुछ और रीज़न तो इसका एक्सपेंडिंग ग्रोथ का होगा यार ठीक है सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ये चीज आएगी फिर उसके बाद यार ये वाला एक चार्ट है कि, कि किसी भी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की अगर डेंसिटी मापी जाए अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी मापी जाए एन से तो क्या क्या चीज़ बढ़ा देगी पॉपुलेशन को नेटालिटी बढ़ा देगी और इमाइग्रेशन बढ़ा देगी तो नटालिटी का मतलब हुआ बर्थ रेट कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ठीक है तो बर्थ रेट से भी प्लस होएगा इमाइग्रेशन आई से याद करना आई से इन आई से इन ये दोनों वर्ड्स से वर्ड बड़े सेम सेम से इमिग्रेशन इमाइग्रेशन तो आई से याद करना आई से इन तो किसी कंट्री में जितने लोग एंटर कर रहे हैं जैसे मान लो भारतीय लोग जा रहे हैं विदेश में जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा उनको ऐसा लगता है वैसे है भी नहीं कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है तो वो लोग बाहर भाग जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी ठीक है लेकिन भारत में नेटालिटी इतनी ज़्यादा तो कुछ लोग बाहर चले भी जाए लेकिन यहाँ पे तो बच्चे होए जा रहे हैं होए जा रहे हैं फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बढ़ती रहती है लेकिन हाँ दो मेजर फैक्टर्स हैं नेटालिटी और इमाग्रेशन ये दोनों है ये इंक्रीज कर देगा पॉपुलेशन डेंसिटी को विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ठीक है मोटेलिटी मतलब डेथ रेट मरना अब मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा इंप्रूव इम्प्रूव होगी कि लोग मरते ही नहीं अब अब कोरोना से तो मर गया चलो ठीक है भगवान जी ने थोड़ी सफाई कर दी आ, अर्थ को रिक्लेम कर दिया वापस है ना लेकिन आ, देखा जाए तो डेथ रेट जो है आ, अब कम हो गई है क्योंकि साइंस एडवांस हो गई है अब हम लोगों को मरने का देते हैं और पैसा खर्चा करो और पैसा लगाओ और दवाइयां और एडवांसमेंट लोगों को हम रोक लेते हैं धरती पर ठीक है तो यार डेथ रेट मोर्टालिटी है इससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है जैसे आजकल कम हो गई कोरोना से कम हो गई और इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन यानी कि एग्जिट ले लेना एग्जिट कर लेना जैसे यहां से बाहर चले गए लोग ठीक है सो इमिग्रेशन आप पढ़ते ना बोर्ड्स लगे होते हैं इंडिया में इमिग्रेशन इमिग्रेशन सेंटर सब जैसे जनरली पंजाबीज हैव दिस वेरी ह्यूज फैसिनेशन ऑफ गोइंग टू कनाडा कनाडा जाना है तो दैट इज इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज तो वो एग्जिट लेते हैं यहाँ से तो वो माइनस कर देते हैं लेकिन थैंक्स टू बर्थ रेट कुछ होता ही नहीं फर्क ही नहीं पड़ता डेंसिटी वहीं के वहीं कह रहे हैं कि मैम थर्ड वेव श्योर आएगा क्या यार मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा मैं सच बोलूं अभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या आने वाला अभी आप अपने काम पे लगे रहो आना होगा आ जाएगा आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए बोली मारो यार आना है नहीं आना है कोई बात नहीं मुस्कान कोई बात नहीं ठीक है अब यार यहाँ पे देखो बच्चे इन्होंने एक इक्वेशन भी दी हुई है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज गिवन बाय मतलब टी एन टी प्लस वन यानी कि एक टाइम के बाद कितनी होगी एन टी यानी कि इनिशियली कितनी थी प्लस बी प्लस आई यानी कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एग्जिट तो कितने लोग पैदा हुए कितने लोग निकले माइनस कितने लोग कितने लोग पैदा हुए कितने लोग एंटर करें माइनस कितने लोग मरे और कितने एग्जिट लिया इसको निकाल के आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी आती है ठीक है ठीक है, पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस इस डायग्राम को अच्छे से रटा लगाना है यार। इसका equation, diagram based question जरूर आएगा ज़रूर 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 आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा।, जरूर आएगा। ये देखो भाई इस पे ना आपको सेम वैसे ही पूछेंगे गायब कर देंगे कि बताओ अगर टाइम टी है पॉपुलेशन डेंसिटी एक तरफ है जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे कुछ कर्व्स बने हुए हैं ठीक है एक सिस्टम की मैक्सिमम अबिलिटी है अलाउ करना ग्रोथ की जैसे मान लो एक तालाब में पानी लिमिटेड है उसमें मच्छरों का ग्रो करना अलाउ करना उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड तो नहीं होगी एक तालाब में एक लिमिटेड वे में होगी उस लिमिटेशन को मैं दोबारा समझा रही हूँ मैंने कहा एक पॉन्ड में लिमिटेड पानी है लिमिटेड पानी लिमिटेड नंबर ऑफ मच्छरों की लाइफ को सपोर्ट कर सकता है तो एक इकोसिस्टम जब एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल की लाइफ को सपोर्ट कर सकता है उसको आप बोलते हो कैरिंग कैपेसिटी क्या बोलते हो राजे उसको आप बोलते हो कैरिंग कैपेसिटी कि उस पौंड की मान लो पचास हज़ार मच्छर को ही जीवन देने की शक्ति है तो पचास हज़ार ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ के दिखाया हुआ है कि एक टाइम के साथ बढ़ते जाओ डेंसिटी बढ़ते जाओ कैरिंग कैपेसिटी ये है कि इतना इतना ही लिमिट है इसका ग्रो करने का इतने को ये लाइफ को सपोर्ट करता है अब यहां पे दिया है ए और बी कभी कभार जो ग्रोथ है या तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ए जैसी होगी या कुछ ऑर्गेनिज्म में बी जैसी होगी मैं आराम से समझाती हूं आपको ए जैसे में आप देख रहे हो कि कोई क्रैश हो ही नहीं रहा है एज टाइम बढ़ा ग्रोथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई डी एन अपॉन डी टीवल टू आर एन आर क्या भाई इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये पता कौन है ये इंसान है दिस इज ह्यूमन बींग्स मतलब चाहे इंडिया की कैपेसिटी है वही जन्मभूमि की कैपेसिटी है जैसे हम बोलते नहीं है कमाने वाले दो खाने वाले दस तो एक घर को चलाने के लिए एक कैरिंग कैपेसिटी थी जो लोग इसको सबको चीर फाड़ के आगे पहुंच गए भाई हम इसको मान ही नहीं रहे है। करिंग करिंग जाती हम तो और भी ग्रो करेंगे डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन इनका ग्रोथ कव कैसा भाई ये वाला क्रव है, करुण है। ग्रो करता ही जा रहा करता ही जा रहा लैग फेज लैग और लॉग चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा है तो ये एक टाइप का कर्व है ठीक है और दूसरे लोग जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया बेचारे शरीफ एक टाइम तक पहले वो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं लैग रहता है फिर उठती है उनकी ग्रोथ लाग लॉग फेज में ग्रोथ उठती है उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं आगे ग्रोथ बढ़ेगी नहीं स्टेशनरी रह जाता है जैसे कि बैक्टीरिया क्योंकि वो पेट्री डिश में ग्रो कर रहा है पेट्री डिश में ग्रो कर रहा है अब हम तो इंसान है हमारे लैंड तो फिक्स मिली थी लेकिन हमने उसको फोर्टीन फ्लोर बना दिया फिफ्टीन फ्लोर बना दिया ट्वेंटी फ्लोर बना दिया तो हम लोग तो इसको निकल ही गए छोड़ के आगे आगे और बी वाले कौन है बैक्टीरिया है जहाँ पे डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के अपॉन एन अपॉन के यानी कि उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी की इज्जत करी हुई है कैरिंग कैपेसिटी को स्टिल मानते हैं उसको ओबे कर रहे हैं जो नहीं ओबे कर रहे उनका ये वाला ग्राफ है ए वाला तो आपको ये इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी कोई इसकी साइंस नहीं पूछ रहा है कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा कुछ नहीं होगा इसके साथ आपका हाय 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 रुद्राक्ष ऋषिकेश ब्यूटी होल आपको बस और बस बच्चों लर्न करना है तो इस इक्वेशन का नाम लर्न करना है कुछ नहीं हो लर्न करना है कि बी में क्या आएगा बी इज डी एन अपॉन डी टी आर एन के माइनस एन अपॉन के के मैंने अभी बताया बच्चे के इज कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कितना वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है उसी कैपेसिटी को आप कहते हो कैरिंग कैपेसिटी और जो बंदे इस चीज को मानते ही नहीं है ग्रो कर ही जा रहे हैं दैट इज डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन ठीक है और आर एन आर इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज सिंपल सिर्फ 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 आपको इस डायग्राम को याद करना ये आंखों में बिठा लो यार मुझे लगता याद है याद रहेगा ये के कैरिंग कैपेसिटी है ए वाले डी एन अपॉन डी टी डी एन इज एन इज

आ रही कि नहीं आ रही ठीक है तो इसको यार ऐसे ही लर्न करके रखो इसको अपने दिल में बचा बसा लो यार हाँ ए इज शेप्ड कर्व एंड बी इज अग्माइड कर्व यस बच्चों, इनके नाम भी आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो ये जे शेप्ड है ये वाला जे शेप्ड है और दूसरे वाला आपको पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसी होती है सिग्मोइड कर्व है ठीक है जी हाँ जी अमर शाह ठीक है अब आते हैं लास्ट वाली चीज पे जिसपे सारे क्वेश्चन बेस्ड है ठीक है इसको फटाफट करते हैं बहुत आसान है बहुत इंटरेस्टिंग भी है ठीक है यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ पहले मुझे आप ये बताओ पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का मतलब हुआ यार इस धरती पर आके हम डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं या तो हम उनको कष्ट देते हैं या तो हम उनको कोई कष्ट नहीं देते या तो हम फ्री में उन पर उपस, आ, उपकार करके चले जाते हैं uh, मतलब देर कैन बी लॉट मेनी थिंग्स तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसलिए पढ़ते हैं हम लोग चलो इससे पहले मैं आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ाऊँ आपको पता है कुछ कुछ एग्जाम्पल मालूम है mutualism, competition, parasitism, uh, commensalism, ये तो आपको याद है पहला मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ बेटा आप मुझे आंसर दोगे एक एक बात का एक मुझे आंसर दो एक बात का एक मिनट एक सवाल तुमसे यार डोंट माइंड इट जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर आप लोग जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड है स्टडी से रिलेटेड है स्टूडेंट है तो यार मुझे एक बताओ आप अपने माता पिता के रिसोर्सेस को डिप्लीट कर रहे हो पैसा खर्चा हो रहा है उनका और बदले में तुमने अभी तक तो कुछ करके नहीं दिखाया तो आप मुझे बताओ क्या आपका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ एक पैरासिटिक रिश्ता कहला सकता है म नोट्स मिल जाएंगे आपको अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो बताओ क्या मैं बोल क्या आप बोल सकते हो कि हमारा रिलेशनशिप विद अवर पेरेंट्स इज़ अ पैरासिटिक रिलेशनशिप यस ऑनो यस नो टेल मी गाइज यस नो इज योर रिश्ता ये रिश्ता क्या कहलाता है तुम्हारा मम्मी पापा के साथ क्या ये रिश्ता एक पैरासिटिक रिश्ता कहलाता है या नहीं हाँ या ना कह रही है नहीं विनायक कह रहे हैं हाँ सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, ये क्या कह दिया मैम <laughs> वाई रोने लग गया अरे मैंने कहना मैंने मैंने कहा नहीं है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या इसको पैरासिटिक रिश्ता कह सकते हैं बताओ ड्रीमर पर्सन ने दिल तोड़ के नो स्माइल कह रही है नीट के बाद पैरासिटिक रिश्ता रिश्ता नो हो जाएगा अच्छा अच्छा नीट के बाद घर वाले पैसे नहीं देंगे उनका पैसा खर्च नहीं होगा मतलब कम होगा खर्च तो होगा हाँ मैंने देख लिया विनायक देख लिया ये देखो विनायक मुझसे पूछा मैम बाय द वे आपने पैरासाइट मूवी देख ली हाँ देख ली मुझे नहीं अच्छी लगी लेकिन मुझे ऐसी ऐसे डिप्रेसिंग मूवीज पसंद नहीं है Uh, काशीनाथ कह रहे हैं हाँ टिल नाव यस मकवाना सतीश रो रहे हैं किलर जैक ने दुख भरे आंसू बना दिए इरम कह रही है सीट के बाद नहीं रहेगा अमरचंद्रा नो भी अच्छा अच्छा अमर अमरचंद्रा का आंसर देखो जरा लॉजिकल हो रहे हैं अमर चंद्रा ने कहा नो बिकॉज पैरासाइड नेवर गिव प्रोजेनी फॉर फीड अच्छा फिलासफिकल एंड बायोलॉजिकल क्या बात है क्या बात है वाई वे चाह रहे हैं टिल यस और रोने वाली स्माइलीज के साथ और भाई क्या और सबके आंसर्स आ गए मैम नीट और जेई दोनों क्या लिखा है मैम नीट और जेई दोनों के फॉर्म्स बाहर है हाँ वो तो है बढ़ दिए बच्चे रोने लग गए यार अरे यार रो क्यों रहे हो मैंने तो सिर्फ पूछा ही है नहीं हो नहीं हो नहीं हो पैरासाइड तुम लोग अपने मम्मी पापा पर कुछ कह रहे हैं कुछ ने रोना शुरू कर दिया कुछ कह रहे हैं कि मैम क्या बात कह दी आपने कह सकते हैं किलर जाके जाए क्या कह सकते हैं चलो आप लोग ना खुश हो जाओ और कहो दिल खोल के कि नहीं हम पैरासाइट नहीं है मैम क्योंकि पैरासिटिक रिश्ते के लिए हम और मम्मी पापा दो अलग स्पीशीज होनी चाहिए बट फॉर्चुनेटली हम भी होमोसेपियंस हैं और हमारे मम्मी पापा भी होमोसेपियंस हैं तो किसी भी पैरासिटिक रिश्ते के लिए एटलीस्ट दोनों जनों को दो डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए इस कारणवश आपका रिश्ता अपने माता पिता से पैरासिटिक रिश्ता नहीं कहलाता है ठीक है जी डोंट फील सैड ब्यूटी दत्ता यू शुड बी हैप्पी इवन इफ यू आर डिप्लीटिंग देयर रिसोर्सेज यू कांट बी कॉल्ड एज अ पैरासाइट बिकॉज बोथ ऑफ यू आर होमो सेपियंस इज दैट क्लियर ठीक है इसलिए खुश हो जाओ और अपने आपको पैरासाइट बिल्कुल मत बुलाओ ठीक है लेकिन इससे आपको एक चीज़ तो याद रहेगी ना कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो डिफरेंट स्पीशीज़ में होता है ये तो याद रहेगा ये तो याद रहेगा कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ होनी चाहिए होमोसेपियंस का किसी और से रिश्ता होना चाहिए यानी कि मैं फरा से हो सकता है किसी और एनिमल से हो सकता है बट नॉट विद नॉट विद होमोसेपियंस अगैन ठीक है तो इसलिए बच्चों इस बात पे आते हैं कि ये जितने भी रिश्ते हैं ये सब के सब क्या है भैया ये सब के सब हैव टू बी टू डिफरेंट रिश्ते ठीक है टू डिफरेंट स्पीशीज ये देखो आप अपनी आंखें खोलो स्पीशीज ए और स्पीशीज बी लिखा है ना इन्होंने नेत्र नयन ने ने लोचन चक्षु खोए खोल के बोले हम्म ठीक है जी एक सेकेंड ड्रीमर कह रहे हैं है। मैम एक बच्चा माँ के पेट में नाइन मंथ रहता है तो क्या ये भी पैरासिटिक रिश्ता है नहीं नहीं होगा तब भी नहीं होगा क्योंकि स्पीशीज तो सेम ही है ना यार ऐसा थोड़ी है कि हम आ, कि हम जब मम्मी के पेट में थे तब उस टाइम पे हम लोग आ, कैटस कैटस थे है या फिर उस टाइम गुरिला गुरीला थे ऐसा तो है नहीं एमब्रियो तो हम ह्यूम के ही थे यार मकवा सतीश कह रहे हैं एम वेरी हैप्पी क्या बात है अशोक कह रहे हैं मैम थैंक्स टू गुड ओके यू आर वेलकम ठीक है जीवन पर याद रहेगा ऐसा एग्जाम्पल हाँ जी बिल्कुल अच्छा अब यार यहाँ पे मुझे आपको जो रट्टा लगवाने में हेल्प करनी है बच्चों आपको कॉम्प्लान प्लस याद रहेगा कॉम्प्लान प्लस कॉम्प्लान प्लस याद रखना क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी गलतियां होंगी ना आप गलतियां करोगे कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में बाकी में आपकी गलतियां नहीं होंगी म्यूचुअलिज्म आपको पता है दोनों का फायदा इसलिए प्लस प्लस है कंपटीशन भी आपको दोनों का पता है माइनस माइनस है भैया दोनों एक ही सीट के लिए सीट के लिए लड़ रहे हैं मेडिकल सीट के लिए तो दोनों का नुकसान है है ना कि दोनों ही लड़ रहे हैं भाई सेम है कॉमन है भी आपको बता भाई एक प्रे है, एक आ, है, तो है, है।, है, है। दिक्कतें आएंगी अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म में इसलिए मैं अपने बच्चों को पहले ही याद करवा देती हूँ कि आप कॉम्प्लान प्लस याद रखें कॉम्प्लान प्लस से याद रखें कि कमेंसलिज्मिज्म इज अ प्लस जीरो रिश्ता बस ये रट्टा लगा लो अमेंसलिज्म का लोड लेना ही नहीं है अमेंसलिज्म अपने आप ही याद करना दैट इज माइनस जीरो अब वो क्या है अभी हम पढ़ते हैं ठीक है ये माइनस जीरो है और कमेंसलिज्म प्लस जीरो है ठीक है ये लोग याद रहेंगे एक बारी पढ़ लो आज सुन लो सुनने जाओ और याद सब रहेगा मेल क्या लिख रहे हो अच्छा चलो कमिंग बच्चे सबसे पहले हम आते हैं प्रिडेशन पे यार प्रिडेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है बड़ी डील नहीं है प्रिडेशन तो पता ही हमको यार एक चीज़ बताऊँ हर मोमेंट पर इस जिंदगी की हर मोमेंट पर प्रिडेशन है यार हर एक चीज़ में प्रिडेशन है या तो आप प्रे हो या तो आप प्रिडेटर हो ये इकोलॉजी का यूनिट या तो आपका प्रिडेटर बनेगा या तो आप इसके प्रिडेटर बनेंगे ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो ठीक है ठीक है बच्चों सो प्रदेशन याद रखें इसमें क्या है भाई प्रडेशन में एक बंदा पे अटैक होगा और एक बंदे का फायदा होगा ठीक है इसमें सीधा सीधा आप एग्जाम्पल जो आओगे मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ जिसकी एग्जाम्पल आपको लर्न करनी है वो है यहां पे इधर पे स्टारफिश फिश वाली एग्जाम्पल ये वाला ये वाला प्रिडेटर्स जो है वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करते हैं तो प्रिडेशन कई बार ठीक भी है देखा गया कि इन रॉकी इंटर टाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टार फिश डिजास्टर इज अंपॉर्टेंट प्रिडेटर मैं आपको समझाती हूँ मैं आपको समझाती हूँ ठीक है इसको थोड़ा जूम करते हैं आपको दिखाई देगा ढंग से ये देखो यार प्रिडेटर्स जो है कई बार अच्छी भी है ये चीज क्योंकि प्रेडेटर्स की वजह से प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है ये देखो इट रेगुलेट्स द प्रे पॉपुलेशन देखा गया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में मतलब एक कोस्टल एरिया में समुद्री एरिया में ये देखा गया एक स्टार फिश थी पिजास्टर पिजास्टर एक बड़ी मस्त प्रिडेटर थी मस्त प्रेटर ऐसी थी जब पिजास्टर उस सी कोस्ट में थी ना वो दस डिफरेंट टाइप के प्रेज पे अटैक करती थी तो दस प्रेज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा गया देखा गया जब एक्सपेरिमेंटली स्टार फिश को वहाँ से हटा दिया तो मोर देन टेन स्पीशीज ऑफ इनवर्टिप्रेट्स बिकेम एक्सटेंट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि पिजास्टर क्या करता था भाई पिजास्टर एक स्टार फिश थी ठीक है ठीक है पिजास्टर एक स्टार फिश है स्टार फिश है ये अलग अलग चीज़ों पे फीड करता था ये अलग 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 छोटी छोटी उन पे फीड करता था ठीक है तो वन टू थ्री फोर ये बहुत सारी चीजों पे अटैक करता था तो सबकी पॉपुलेशन कंट्रोल में थी देखा गया जब स्टार फिश को ही हटा दिया तो इनमें से ये सब के सब मतलब ये नहीं है कि ये सब मर गए ये लुप्त हो गए ये लुप्त हो गए यानी कि ये बड़ा बैलेंस करके चलता था स्टारफिश बहुत बैलेंस करके चलता था ये बहुत सारी फिशेस को मारता था लेकिन जब इसको ही हटा दिया तो वो बैलेंस भी हिल गया तो कोई एक फिश ज्यादा बड़ी किसी ने ज्यादा खा लिया किसी ने कम खा लिया तो दस स्पीशीज ऑफ फिशेस डाइड ऑफ ठीक है तो एक ही एग्जांपल याद रखना है प्रिडेशन का मस्त एग्जांपल याद रखेंगे स्टारफिश फिश डिजास्टर बस ये वाला और दस स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट खत्म हो गए एक साल के अंदर इतना याद करना प्रिडेशन में ठीक है फिर दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि कई बारी प्लांट हर्बीवोर्स भी प्रीडेटर्स होते हैं जैसे कि यहां पे आ जाता है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स नियरली पच्चीस परसेंट ऑफ द इंसेक्ट्स आर नोन एज फाइटोफेगस जो प्लांट्स पे और अदर प्लांट्स पे रहते हैं जैसे हमने बताया ना कुछ इंसेक्ट प्लांट्स को बहुत ज्यादा खा लेते हैं ठीक है प्लांट्स ने क्या किया अब आप ये ध्यान से सुनो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है आपको पता है प्लांट्स ने उनको ना बहुत सारे इंसेक्ट्स खाने आते थे फाइटोफेगस थे उन्होंने क्या किया निकोटीन बनाया कैफीन बनाया क्विनिन बनाया स्ट्राइटचिन बनाया ओपियम बनाया कि भैया हम ये केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं खबरदार जो हमें खाने आए तो ठीक है तो अब यहाँ पर ये एक टाइप का अडेप्टेशन भी है और इस टाइम पर प्लांट्स ने एज अ प्रेडेटर एक्ट किया और ये निकोटीन कैफिन स्ट्राइचिन क्विनिन इनसे कौन बच गए ग्रेजर्स और ब्राउज़र जो खाने वाले ना वो बच गए उनसे बच गए लेकिन हम इतने इंसान इतना आ, लालची है कि हमने ना निकोटीन कैफीन इसको भी अपने मतलबों के लिए यूज़ कर लिया इसे भी हमने अपने मर्ज़ी से यूज़ कर लिया इसको भी हमने अपना काम कर लिया यूज़ कर लिया हाँ जी और एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और है केशिया कैक्टस में भी मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है उन्होंने भी क्या चीज करी है सेम चीज करी है थॉर्स और स्पाइंस निकाले ताकि इनको लोग खा ना पाए तो ये यह यही चीज है यार ठीक है कैलोट्रोपिस ने भी एक एग्जाम्पल किया है प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कैलोट्रोपिस प्लांट है, है ना कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स बनाता है जिसकी वजह से ये इतने बिटर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है गोट्स इसको खा नहीं पाती हैं। तो कई बार जो हरबी वर्ड्स हैं ये प्रिडेटर्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं तो कैक्टस बन के कांटे निकालेंगे हाँ जी हाँ जी चरस वरस बिल्कुल सही है यस 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 और कई बार ये कैक्टस बन के कांटे बना देंगे कई बार ये ऐसे केमिकल्स निकालेंगे कि लोग इसे खा ना पाए ठीक है फिर आता है तुम्हारा कॉम्पटिशन कॉम्पिटिशन अच्छा प्रिडेशन कैसा रिश्ता होगा पहले बताओ प्रिडेशन कैसा रिश्ता होगा बताओ शाबाश वॉट काइंड ऑफ रिश्ता दिस विल बी प्रिकली पेयर कैक्टस का भी एक्जाम्पल इंपॉर्टेंट था यार प्रिकली पेयर कैक्टस भी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में इसने ग्रो करने से मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड खराब कर दिए फाइनली इन्वेजिव कैक्टस वॉज बॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रिडेटर अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल वुड वोड्यूस ट्रू द कंट्री तो प्रिकली पेयर कैक्टस को ख़त्म करने के लिए कैक्टस फीडिंग मॉथ भी लाना पड़ा ताकि क्या हो जाए वो प्रिडेटर की तरह एक्ट करे और कंट्रोल कर दे इस है हाँ जी कैसा रिश्ता होगा ये मैम बाहर से अटैक हो सकता है तो कहीं से भी अटैक कर सकता है मतलब ऊपर अटैक करेगा प्लस माइनस रिश्ता ये तो हमें पता है कि प्रे का फायदा और प्रिडेटर जो है प्रे का प्रे का नुकसान और प्रिडेटर का फायदा तो इट्स अ प्लस माइनस रिश्ता ये रिश्ता प्लस माइनस रिश्ता इसमें कुछ नहीं करना है हमने प्लस माइनस रिश्ता प्लस माइनस रिश्ता एक बार रिवाइज करें इनकी एग्जाम्पल्स uh, को पहला मैंने बताया कौन सा भाई प्रिपली प्लेयर कैक्टस कैक्टस इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि रैंड तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उसको कंट्रोल करने के लिए मौत लाया कि मौत भाई जा तू कैक्टस को खा तो कैक्टस प्रे बन गया और मौत प्रिडेटर बन गया सेकेंड हमने बोला पिजास्टर बड़ी अच्छी प्रिडेटर थी जब ये होती थी तो सब कुछ ठीक ठाक रहता था बहुत सारी चीज़ों को ही खाती थी जैसे स्टारफिश को हटाया दस स्पीशीज मर गई वर्टिब्रेट्स की फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बोला स्ट्राइचिन निकोटिन ये सारे केमिकल्स निकाले गए ये प्लांट प्रीडेटर्स ने प्रोड्यूस करे ताकि बाकी लोग इन्हें ना खा पाए कैलोट्रॉपिस प्लांट ने भी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बनाए ताकि कैटल्स और गोट्स इसको ना खाए ये हमने लिखा प्रिडियशन के बारे में अब आते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में कॉम्पिटिशन के, के बारे में दो चार चीजें हैं यार ये रिश्ता हाँ जी कॉम्पिटिशन क्या रिश्ता है अभी कॉम्पिटिशन एक माइनस माइनस रिश्ता कहलाता है कि यार दोनों का ही नुकसान हो रहा है अब आप बोलोगे मैम कैसे हो रहा है इंटेलिजेंट बच्चे का तो नुकसान होता नहीं है यार उसको नहीं मेहनत और करनी पड़ रही उसको नहीं अपना दिमाग खर्चना पड़ रहा है है कि नहीं इसमें कंपटीशन में आपको जो याद करना है एग्जाम्पल इसमें क्या याद करना है मैं जो जो हाईलाइट करवा रही हूँ उसको हाईलाइट करते जाओ कि पहली चीज कंपटीशन ज़रूरी नहीं है सेम स्पीशीज में ही हो कई बार इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो जाता है हाँ जी कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक आल्सो ठीक है और एवोल्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा हाथ है यहाँ पे देखो फॉर uh, एग्जांपल ये पहला एग्जांपल है अमेरिकन लेक्स हैं साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश कंपीट फॉर कॉमन फूड फ्लैम फ्लैमिंगो क्या है बर्ड है फिशेस क्या है फिशेस है तो एक लेक है अमेरिकन लेक है उसमें बेचारी उड़ती उड़ती फ्लैंगोज को भी उसी पॉन्ड में से सब कुछ खाना है और फिशेस को भी उसमें से ही खाना है खाना क्या है जू प्लैंगटॉन खाना है तो दोनों को जू प्लांगटॉन पसंद है तो यार कॉम्पिटिशन तो जू प्लैंगटॉन के लिए हो गया है ना तो कॉम्पिटिशन फ्लेमिंगो और फिशेस के बीच में है क्योंकि दे आर कम्पीटिंग फॉर अ सेम थिंग दे आर कम्पीटिंग फॉर द सेम थिंग दैट इज वॉट दैट इज अ जू प्लॉगटॉन इन द लेक दूसरी चीज जरूरी यह भी नहीं है कि कंपटीशन के टाइम पे रिसोर्सेज लिमिटिंग ही हो कभी कभार रिसोर्सेज इल मतलब काफी ज्यादा लिमिटेड अनलिमिटेड भी होते हैं फिर भी होता है अच्छा यहां पे आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी एक सेकेंड यहां पे यह चीज लिखी हुई है सुन लो बस इसको ठीक है कि कंपटीशन जरूरी नहीं है लिमिटिंग ही होने चाहिए कभी कभार एक बंदे की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि एक स्पीशीज मतलब ऐसे में बताती हूँ कभी कभार हो सकता है कि मेडिकल सीड्स बहुत ज्यादा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मान लो कुछ चंड बच्चों ने चतुर बच्चों ने एक कमरे में लोगों को बच्चों को बंद कर दिया उनको नीट का एग्जाम देने ही नहीं दिया तो मान लो कॉम्प रिसोर्सेज थे सीड्स भी थी लेकिन एक चलाक बच्चे की वजह से बहुत सारों का एफिशिएंसी कम हो सकता है सो so, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिसोर्स लिमिटेड हो कभी कभार अनलिमिटेड होने की भी हो के टाइम पे भी कंपटीशन होता है जैसे आप देख सकते हो रिसोर्स लाइक फूड एंड स्पेसिस आर वन डंड बट समाइम्स अर फीडिंग एफिशेंसीज ऑफ वन स्पीशीज माइट भी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहेबिटरी प्रेजेंस ठीक है तो इधर मैं कर रही हूँ इस चीज को पूरा इंपॉर्टेंट है यार ये सारा तो कभी कभार ये इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन फीडिंग बी ड्यू ड्यू रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज ठीक है लास्ट में जो आपको आना चाहिए दैट इज ये वाला गैलापैगोज आइलैंड वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार गॉस के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ऐसा देखा जाता है देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जी कॉम्पिटिशन रिलीज एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन रिलीज मैं वर्ड पढ़ रही हूं कहाँ चला गया वो कंपटीशन रिलीज बाद में दिया हुआ है हाँ जी पहले इधर आ जाओ जिसकी एग्जाम्पल पहले दी है वहीं पे आ जाते हैं यार कंपटीशन में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है का और गोट्स का यार इन्होंने बोला है कभी कभार कंपटीशन के टाइम पर जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज है वो थ्राइव करेगी और जो लेस इम्पोर्टेंट स्पीशीज है हाँ जी जो लेस जो वीकर स्पीशीज है वो नॉकआउट हो जाएगी वो नॉकआउट हो जाएगी जैसे यार ग्यालापैस आइलैंड पर कौन कौन है अबिंगडन टोटोटाइज भी है अबिंगडन टोटोटाइज भी है ग्यालापैस आइलैंड पे और गोट्स भी थी देखा गया गोट्स बेटर ब्राउजर्स थी गोट्स ने कूद कूद के सारी क्या कर ली कूद कूद तो, कूदती रही कूदती रही सारी घास ख़त्म कर दी तो बेचारे टोटोटाइज के लिए कुछ बचा ही नहीं तो इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन की वजह से जो वीकर वाला है यहाँ पे टर्म है कंपटीशन एक्सक्लूजन ये टर्म पढ़े ये टर्म पढ़े तो पहले हमने कंपटीशन में क्या देखा है कंपटीशन में हमने पहली वर्ड पढ़ी पहली चीज जो हमने पढ़ी याद करिए, कि कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीशीज़ में भी कंपटीशन हो सकता है दूसरी चीज हमने पढ़ी कि आ, जैसे आपने अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगो और फिशेस का जू प्लांट के लिए कॉम्पिटिशन है तीसरी चीज इंटरफेयरिंग प्रेजेंस की वजह से कभी कभार रिसोर्स uh, अनलिमिटेड है फिर भी किसी के इंटरफेरिंग प्रेजेंस से जो वीकर वन वाला है उधर पे आप देख सकते हो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ा कंपटीशन एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कंपटीशन एक्सक्लूजन का मतलब है जो वीकर वाला है वो नॉकआउट हो जाएगा के ओ हो जाएगा उसका वाइल जो बेटर वाला है वो सर्वाइव करेगा जैसे अबिंगन टोटोटाइस गैलपयोट आइलैंड में थे गोट्स के साथ गोट्स ने कूद कूद के कूद कूद के साथ ही ग्रास खत्म कर दी और अबेंगे टॉटराइज कुछ सालों में खत्म ही हो गए वहां से देखो लिखा हुआ है दे बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर दे बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर ठीक है क्योंकि गोट्स आ गई उन्होंने खत्म कर दिया सो दिस वॉज कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन अब आता है एक और चीज़ कॉम्पिटिशन रिलीज एक और टर्म है कॉम्पिटिशन रिलीज बोलता है बच्चे कि कंपटीशन एग्जिस्ट भी कैसे कर रहा है ये चीज हमें पता भी कैसे चलेगी ये हमें पता चलेगी कंपटीशन रिलीज से कहने का मतलब है कॉनल पता चलता है अगर डोमिनेंट वाले को हटा दोगे तो नीचे वाले जो रिसेसिव वाले हैं वो बाहर उठ के आएंगे उनका रिलीज हो जाएगा जिसको आप बोलते हो कॉम्पिटिशन रिलीज कहते हो ठीक है फिर यार ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कभी कभार ज़रूरी नहीं है कंपटीशन के टाइम पर सारे लोग एक दूसरे को मार ही रहे हैं कभी कभार कंपटीशन के टाइम पे को एग्जिस्टेंस भी होती है रादर देन एक्सक्लूजन रिसोर्स को लोग पार्टीशन करते हैं जैसे कि कुछ जो वार्बलर्स हैं वाब्लर्स यानी कि फिश सॉरी बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं वो अपना फोरेजिंग पैटर्न खाने का तरीका अपना बिहेवियर वो बदल देती है कि बाकी लोग भी वहाँ पर ग्रो कर पाए बस ये चीज़ है मैं कॉथर की है रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वाब्लर्स क्या करते हैं वो क्या करते हैं भैया वो बाकियों को ग्रो करने देते हैं अपना फॉरिजिंग पैटर्न अगर कोई जमीन के पास से खाना निकाल रहा है तो कोई सैंड के पास निकालेगा ठीक है तो वो भी ग्रो करने देते हैं ठीक है जी ठीक है इथमेलस वीकर है अगर बैलेंस को हटा देना तो क्या ग्रो कर जाएगा इससे यही पता चलता है कि कॉम्पिटिशन था वीकर वाला फिर रिलीज कर जाएगा और नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी कॉम्पिटिशन में को एग्जिस्टेंस भी है जरूरी नहीं है कि मर ही रहे हैं सारे मारकाट ही चल रहा है कई बार रिसोर्स पार्टशनिंग भी होता है रिसोर्स पार्शनिंग का मतलब दूसरे को भी कोई ग्रो करने देता है दूसरे दूसरी दूसरी जगह से खाना खाते हैं जैसे ये वार्बलर्स चलिए अब आते हैं पैरासिटिज्म पे पैरासिटिज्म कैसा रिश्ता होगा भाई यार मेरे को तो कोई लैग नहीं देख रहा पैरासिटिज्म कैसा रिश्ता होगा अभी मैंने बता दिया एक का फायदा एक का नुकसान एक का फायदा एक का नुकसान यहाँ पे प्लस और माइनस रिश्ता है प्लस और माइनस रिश्ता है यहां पे आप क्या बोलेंगे यहां पे बेटा आपसे एग्जाम्पल पे आप ये क्या है भाई पैरासाइट हो है ये दो होस्ट पे डिपेंड करता है स्नेल पे फिश पे तो ह्यूमन लिवर फ्लू का एक एग्जाम्पल रख लो नेक्स्ट चीज मुझे एक चीज बताओ यार आ, अगर हमें वो काटते हैं मच्छर काट लेते हैं और फिर वो हो जाता है डेंगू क्या हो जाता है डेंगू मलेरिया हो जाता है तो, तो मुझे बताओ क्या हम को, आ, को हम को को पैरासाइट बोल सकते हैं बताओ यार जल्दी बोलो बताओ शाबाश अच्छा बताओ शाबाश प्लीज टेल मी मुझे बताओ कि क्या हम मलेरियल पैरासाइट को जो हमारे पर मच्छर बैठ रहा है उसको हम अपने लूपर बोल सकते हैं can, uh, मच्छर भी क्यों बोलो बेटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो नहीं पैर यस मॉस्किटो कैन नेवर बी अ पैरासाइट मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट मॉस्किटो दे कैन नॉट बी व्हाट Uh, yes, जिसमें बर्ड क्या करेंगे अपने एग्स ले कर देंगे दूसरे के नेस्ट में किना पाल पोस के बड़ा करना जब बड़ा होगा अपने आप यू गेट सरप्राइज एंड द बच्चा विल कम बैक टू मी तो आप यहाँ देखो बच्चे की पैरासिटिक uh, बर्ड ने क्या किया होस्ट के एग के साइज और कलर को सेम कर दिया ताकि उसे पता ना चले ट्राई टू फॉलो द ऑफ़ कुकू कोयल एंड एक्शन तो मुझे बताओ यार नहीं, नहीं मानसे हाँ मुझे बताओ किसका 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 uh, सुनो कोयल करती है ना कोयल के बड़े सुंदर सी आवाज होती है वो अपना बच्चा समझ के क्रो के बर्ड को जन्म देती है और उसे क्रो के बर्ड को जन्म नहीं देती क्रो के अंडे को पालती है अपने नेस्ट में रखती है और फिर जब अंडा टूटता है हां जी अभी ठीक है गाइस कैन यू मी हेलो हां जी हाँ ठीक हो गया आवाज हाँ जी बच्चों आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था आप यस यस मेरे ख्याल से मैंने उल्टा बोल दिया था यसा uh, बर्ड चलाक होती है वो डालती है अपने क्रो के उसमें uh, अंडो को. कुकु बर्ड क्रो के उसमें नेस्ट में डालती है ताकि uh, कुकू बर्ड के बच्चों का क्लच स्ट्रांग हो सके क्रोज का क्लच ज्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए यस yes, मैंने उल्टा बोल दिया था कि कुकू बर्ड जाके कुकू करती है बेइंसाफी क्रो के साथ क्रो बेचारा सीधा होता है यहाँ पे क्रो कुकू के बर्ड्स कुकू बड़ा से चंदा ओल्ड गम ट्री मैरी मैरी किंग ऑफ़ द बुश इज़ ही गा कुकू बड़ा गा कुकू नन्नन बचपन में था यार ये कुकू बड़ा नाली पे बैठा है <laughs> अच्छा टाइम था यार कुकू बड़ा जंगल का राजा है गा, कुकु बड़ा गा। पर यहाँ कुकुबड़ा ने गाने के साथ साथ क्या करी गद्दारी भी कर दी कुकू लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट ठीक है तो कुकु बड़ा ने बड़े हरकत कर दी यस गद्दारी कर दी ठीक है जी तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है

ठीक है तो ये न्यूट्रिशन पानी के लिए ठीक है ये इसका प्लस हो जाएगा मैंगो जीरो हो जाएगा अच्छा बारनेकल्स होते हैं जो वेल के पीठ पर ग्रो करते हैं तो वेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वेल तो जीरो है लेकिन बारनेकल्स के साथ क्या अच्छा होता है बारनेकल्स के साथ अच्छा ये हो जाता है उनको एक स्पेस मिल जाती है रहने के लिए फिर यार तुमने हमेशा देखा होगा कभी अगर तुम ट्रेन वगैरह से वंस मोर वंस मोर ये देखो जरा ये देखो मैम आपकी आवाज कोयल की तरह कहा यार कोयल रो पड़ेगी मेरी आवाज सुन अच्छा यार मैं कह रही हूँ कभी आप लोगों ने ट्रेन से नजारा लेते हुए देखा है कभी से गार्डन में दिखता है मैंने बहुत बारी देखा है मैं फोटो भी खींचूंगी नेक्स्ट टाइम कि ना कैटल इट्स गेजिंग कपल की के, गेजिंग कैटल के आसपास घूम रहे होते हैं कपल क्यों बोल दिया मैंने ग्रेजिंग कपल सोचना है यार कपल ग्रेज कर रहा है खा रहा है लॉल अच्छा ग्रेजिंग कैटल के साथ क्या है कि जो ब वगैरह जो हल जोतने में लगे पड़े रहते हैं उसके आसपास कौन भटक रहा होता है यार ये छोटी छोटी बर्ड्स सफ़ेद रंग की बर्ड्स घूम कर घूम रही होती है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेजिंग कैटल को वो इसको ये भी नहीं बोलती कि क्या चेप हो रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ये उसके ऊपर भी घूमते हैं उसके आसपास भी घूमते हैं क्योंकि जैसे ही ग्रेजिंग कैटल हल जोतते हुए कुछ हल जोतती है तो कुछ इंसेक्ट बाहर फूटते हैं जैसे इंसेक्ट बाहर निकलते हैं कुछ अर्थफार्म निकला और कैटल एग्रेड की मोज हो गई तो मौज कर दी बेटा मौज कर दी हो जाएगा इसके साथ किसके साथ कैटल एयरग्रेट के साथ तो इट इज़ प्लस ग्रेजिंग कैटल को कुछ नहीं वो ज़ीरो हो गई ठीक है आ, और और क्या भाई ये हो गया ठीक है और एक और एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का ये वाला बिटवीन सी एनिमोन एंड स्टिंगिंग टेक्टैक्ल्स एंड द क्लाउन फिश या देखो सी एनीमोन मुझे नहीं पता तुमने वो पिक्चर देखी है वो वाली कौन सी पिक्चर थी यार वो लाइफ ऑफ पाई वाली तुमने उसमें देखा था ये सी एनिमोन तो सी एनिमोन के ना ये बड़े बड़े टेंटाकल्स होते हैं तो ये टेंटाकल्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं विनायक <laughs> एक सेकेंड हाँ तो यार ये जो टेंटाकल्स होते हैं ना ये ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो जो आपकी क्लाउन फिश है क्लाउन फिश कहती है कि ब्रो प्लीज कीप मी विथ यू मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है तो सी एनिमोन कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बैठना तो बैठ जा मेरे पास में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो सी एनिमोन जीरो बड़े हाथ देख के तो उसको लगता है कि भैया ये डरावनी जगह पे नहीं जाना तो क्लाउन फिश के मजे हो गए मौज हो गई इसकी और सी एनिमोन के साथ ना फायदा ना नुकसान तो वो जीरो है ठीक है सो या तो सी एनिमोन कोई फायदा नहीं सो दिस इज अस दिस इज अ फाइंडिंग uh, यानी हाँ जो भी था वो फाइंडिंग नहीं पिक्चर थी तो यस yes, यस yes. तो ये रहा आपका कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल अब लास्ट आ जाता है तुम्हारा लास्ट लास्ट म्यूचुअलिज्म दिया नहीं दिया हुआ है अमेन्सिलिज्म की पिक्चर कहाँ गई यार हम्म कोई तो दिक्कत हो गई की एग्जाम्पल थी पेनिसिलिन वाली चलो कोई नहीं है नहीं है तो मेरे ख्याल से आप एक बारी पढ़ लेना मैं आपको रिपीट कर दूंगी पहले म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं म्यूचुअलिज्म तुम बचपन से पढ़ रहे हो यार बचपन से पढ़ रहे हो लाइक एक म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता कहलाता है भाई प्लस प्लस रिश्ता है लाइक में क्या है भाई फंगस और एल्गी दोनों है ठीक है फंगस लंबे लंबे हाथ है मॉइस्चर लेकर आएगा एल्गी को कहेगा ले पानी ले ले पानी और एल्गी क्या कहेगा मैं पानी पानी हो गई क्या करेगा एल्गी पानी मिला फंगस से न्यूट्रिश CO2 मिला एटमॉस्फेयर से सीओ पानी मिला के बना दिया खाना ले खुश रहे फंगस तू भी खाना खा मैं भी खाना खाता हूँ तो फंगस को खाना मिला एलगी को पानी मिला दोनों की जिंदगी मस्त हो गई म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता हो गया फिर ये प्लस प्लस रिश्ता है माइको राइज़ा क्या था यार माइको मतलब है राइज़ा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स तो वही फंगस क्या करेगा पानी लेकर आएगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या करेंगे भाई उसको जगह देंगे रहने के लिए कि जा तो जी ले अपनी ज़िंदगी खाना खा ले न्यूट्रिएंट्स ले ले तो प्लस प्लस, प्लस रिश्ता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको जो पढ़ना चाहिए यहाँ पर पेड फीस वाली एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी हुई है इन्होंने ये वाला

पोलन रॉबर्स वो भी बदतमीज होते हैं पोलेशन किए करते हैं नहीं खा पी के चले जाते हैं बदतमीज लोग ठीक है फिर इसमें ना एक अच्छी चीज लिखी हुई है को एवेल्यूशन की कहता है कि यार म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता इतना जबरदस्त है ये है एक जिस्म दो जाने कि अगर एक मर गया ना तो दूसरे को मरना ही पड़ेगा जी हाँ आपको पता है इनफैक्ट म्यूचुअलिज्म के जैसा ही दूसरा रिश्ता प्रोटो प्रोटोकॉपरेशन है अब मुझे नहीं पता तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है प्रोटो एनसीआर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म में क्या फर्क है प्रोटो कॉपरेशन भी प्लस प्लस है और म्यूचुअलिज्म प्लस -प्लस है क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटो कॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज बता सकते हो बेवफा होते हैं कौन बेवफा होता है प्रोटो कॉपरेशन वाला नहीं 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 प्रोटोकॉपरेशन का बड़ा मस्त एग्जाम्पल है uh, वो नहीं है प्लोवरबोर्ड एंड क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल And bird. तो यार, आ, खुला रखता है ठीक है और फ्लोवर बर्ड आती है कहती है यार चल मैं तेरे ना डेंटल क्लीनिंग कर देती हूँ फ्लोवर बर्ड आती है उसके मुँह में घुस जाती है और उसके ना सारे दांतों में जो पड़े हुए लाइस टिक्स है उसको खा जाती है तो क्रोकोडाइल देखो कितना स्मार्ट है वो फ्लोवर बर्ड को नहीं खाता है उसको पता है कि प्लोवर बर्ड मेरे दांत साफ करके जाने वाली है प्लोअर्ड को न्यूट्रिशन मिल रहा है खुश है वो भी जो दोनों की मौज हो गई तो ये प्रोटो कोऑपरेशन है तो आप मुझे बता सकते हो कि म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या है क्या डिफरेंस है यार आपको पता है अगर कुछ दिनों तक तुम नहीं मिलने आओगे फ्लावर बर्ड तो मैं क्रोकोडाइल नहीं मरने वाला फ्लावर बर्ड भी कहती है सी यू लेटर एलिगेटर तुम नहीं आओगे तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मैं मर नहीं जाऊंगी मैं कहीं और से खाना खा लूंगी ठीक है तो प्रोटो कॉपरेशन इज अ आ... टाइम पास रिश्ता म्यूचुअलिज्म इज लाइक अ दो एक एक जिसम दो जाने ठीक है सो तो, कॉपरेटिंग सर्विस डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर तो फॉर सर्वाइवल यस मेहुल आप एक चीज याद रखेंगे म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेटरी रिश्ता है ये रिश्ता ऑब्लिगेटरी रिश्ता है शादी वाला रिश्ता है ठीक है मतलब ऑब्लिगेशन है है तो है मतलब फोटो का ऑपरेशन तुम समझ गए जी एफ बी एफ वाला रिश्ता तुम हो नहीं हो तुम्हारे बिना हम मरेंगे नहीं ठीक है तुम्हारे बिना मरेंगे नहीं फोटो का ऑपरेशन इट इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी रिश्ता नॉट ऑब्लीगेटरी रिश्ता तो ये जो म्यूचुअलिज्म है ना इसमें एक बंदा बोलेगा ये दर्द खत्म का नहीं होता है वे <laughs> मतलब कि अगर लाइकन like वैसे एलगी मर गया ना तो फंजाई भी मर जाएगा माइकोराइजा में अगर फंगस मर गया ना तो रूट ऑफ आयर प्लांट भी मर जाएंगे इसीलिए देखा गया है जो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअलिज्म करते हैं उनमें को एवोल्यूशन है मतलब अगर एक प्लांट ने मतलब तो मान लो फंगस ने अपने अंदर कोई चेंज लाई ना तो एल्गी भी अपने अंदर चेंज लाएगा ये इतना टाइटली लिंक्ड रिश्ता है एक दूसरे से ठीक है ये देखो विरा कह रहा है रिसोर्स पार्शनिंग कह सकते हो मुझे नहीं पता कि तुमने किस सेंस में बोला है बट तो बैठता बिल्कुल सही है ठीक है तो टाइटली लिंक्ड रिश्ता ऑब्लिगेटरी रिश्ता जहाँ दर्द खत्म का ही नहीं होता है भाई ये है म्यूचुअलिज्म वाला कि अगर एक मरा तो दूसरे को मरना ही पड़ेगा दर्द के साथ साथ तो वो खुद भी खत्म होएगा लेकिन ऑपरेशन में फर्क नहीं पड़ता आई डोंट केयर स्विचिंग द पोजीशंस फॉर यू कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ यस मेहूल प्रोटोक ऑपरेशन इज टेम्प्री प्यार म्यूचुअलिज्म इज क्या विवाह वाला प्यार अरे वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या लॉल सारी मस्ती यहीं कर लो ठीक है कोई नहीं अच्छा फिर यार एक अच्छा स्तर बताया कोवल्यूशन का कोवल्यूशन में कहता है कि यार अगर पोलिनेटर ये देखो वन टू वन रिलेशनशिप विद द पोलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प इट मींस अगर फिग स्पीशीज़ ने सिर्फ वास्प से ही अपना पोलिनेशन कराना और कोई अलग स्पीशीज़ नहीं है तो जब फीमेल वास्प आ, एक सेकेंड यार तो इसमें यह है कि अगर फिग और हाँ यार फिग का और वैस्प का रिश्ता है म्यूचुअलिस्टिक वाला रिश्ता कहता है फिग और वैस्प का म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता है कैसे रिश्ता है फिग जो प्लांट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वैस्प स्पीशीज से ही पॉलीनेट होता है तो यार अगर वैस्प इसको आके पॉलीनेट नहीं करेगा ना तो फिग मर जाएगा तब आपका सवाल होगा तो मैम कि वैस्प को कौन सी मौत आ रही है वैस्प तो सिर्फ पॉलीनेट करके जा रहा है नहीं वैस्प सिर्फ पॉलिनेट नहीं करके जा रहा बल्कि वैस्प को ना फिग स्पीशीज जगह देती है क्या करने के लिए अपने बच्चों को ये देखो ये वाली जगह ये 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 वाला म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता ये फिग ये फिग है अंजीर ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं हम लोग ये फिग है ये फिग में ये आया वैस्प इसके लिए तो पॉलिनेशन करके जा रहा है लेकिन अपने लार्वा अपने एग्स भी यहाँ पे ले करता है तो आप देखोगे फिग प्लांट से ये कीड़े दिख रहे हैं आपको तो ये अपनी ये सेफ प्लेस भी देता है इसको पॉलिनेट तो आप देख ही लो पॉलिनेशन तो हो ही रही है लेकिन साथ के साथ साथ ये भी आप देखो कि पॉलिनेशन एक का फायदा हो रहा है फिग प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है और वैस्प के क्या है भैया वैस्प के बच्चों को जगह मिल जाती है छत मिल जाती है छत्र छाया मिल जाती है जीने के लिए तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा प्यार दे रहे हैं यार पूरा म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता है तो आप सोचो अगर वैस्प नहीं आया तो इस फिग की फिकॉलीशन नहीं होगी नहीं। नहीं।, नहीं नहीं होगी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन नहीं फर्टेशन सीड नहीं बनेगा सीड नहीं बनेगा नया प्लांट नहीं बनेगा लेकिन अगर इसको भी बेचारे को वैस्प को ये जगह नहीं मिलती तो ये बेचारा एग्स कहाँ लेकर एग्स नहीं लेकर तो इसके बच्चे कहाँ जियेंगे इसके बच्चे तड़प जाएंगे मर जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो बेचारा वैस्प भी मर जाएगा तो ये ऑब्लिगेटरी रिश्ता कहलाता है ठीक है जी यही चीज बताया हुआ है तो ये जगह ओवी पोजिशन के लिए एग एग्लेग स्ट्रक्चर के लिए बहुत सही है वैस्प के लिए ठीक है अच्छा और एक मस्त 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 एग्जाम्पल है जो आपको कभी नहीं भूलना पड़ेगा एक सूडो कॉपुलेशन वाला स्टोरी है कह रहे ऑर्किड्स बड़ी खतरनाक डाइवर्सिटी दिखाते हैं बीज और बंबल बीज का रिश्ता ताकि ना गारंटेड पॉलिनेशन हो ठीक है नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स सबके सब ऑर्किड सब जो है रिवॉर्ड नहीं देते The Mediterranean Orchid देखो ये ऑर्किड ऑफ्रायस और है और ये है तुम्हारा बम्बल भी इस बेचारे बम्बल भी को लगता है कि ना मैं इसके पास आ रहा हूँ अरे ये तो मेरा प्यार है ये तो मेरा फीमेल काउंटर पार्ट है ये तो मेरे बच्चों की होने वाली माँ है लेकिन उसे नहीं पता वो जो यहाँ पे कॉपिलेट करने के लिए आ रहा है ये जो प्लांट ये ये इसकी फीमेल भी नहीं है भैया ये इस प्लांट का ऑर्किड ऑफ्रायस की एक पत्ती है जो रिजेंबल करती है इसकी फीमेल पार्टनर से तो ये यहाँ पर आता है अपना टाइम स्पेंड करता है कुछ इमोशनल भावनाएं बहा देता है यहाँ पे और uh, क्या करता है पॉलीनेट करवा के चला जाता है क्योंकि इसकी पीठ पे ऑलरेडी पॉलन्स हो गए आगे यहाँ पे छोड़ देगा पॉलन ठीक है और इसे कुछ ना मिला बेचारे को बदले में लेकिन ऑर्किड का फायदा हो गया तो ऑर्किड ने इसको कुछ नहीं दिया सिर्फ झांसा दिया एक धोखा दिया अब आपका सवाल होगा मैम कि ये तो कैसे ही होगा uh, क्या कहते हैं ये तो फिर म्यूचुरिस्टिक रिश्ता है ही नहीं इसको तो कुछ मिला नहीं है इसका तो <laughs> कट रहा है <laughs> तो यार लेकिन इसको नहीं पता है ना ये तो आपको पता है ए मोबाइल है जाते मोबाइल है ठीक है मोबाइल है तो आप इधर लिख सकते हो इधर देख सकते हो ये सारी स्टोरी सेक्सुअल डिसीड को तो मिस्टीरियस मतलब ठीक है सो वेन दिस अट्रैक्टेड टू परसीव इट इज अ फीमेल बी सूडो कॉपीलेट्स इंटमेसी विदाउट एनी उसका असली पार्टनर ठीक है ड्यूरिंग दर प्रोसेस डस्टेड विद अ पॉलन फ्रॉम द फ्लॉर इसकी पीठ पे पॉलन लग जाएंगे अभी दोबारा किसी ऑर्किड पर जाएगा वहां पर पॉलन ले जाएगा सो वेन द सेम पी बी सूडोकॉपिलेट्स इट ट्रांसफर द पॉलन एंड दस पॉलिनेट्स अ फ्लॉर हेयर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट्स अगर फीमेल बी अपना कलर चेंज कर लेती है तो आपको बताए इवन द स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस भी रिड्यूस हो जाएगी अनटेलर ऑर्किड फ्लावर भी अपनी शक्ल बदल दे तो ये भी कोई इन्वॉल्व कर लेता है ताकि वो मेंटेन करे रखे उस पेटल का कलर जो फीमेल बी से मिलता जुलता है जी हाँ ठीक है ठीक है तो समझ लो कि को एवोल्यूशन आप इसमें यह भी आ सकते हो कि म्यूचुअलिज्म के टाइम पे को एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है अगर इस बम्बल भी ने अपना कलर चेंज किया अपनी अपने बॉडी का कलर चेंज किया एवोल्यूशन के टाइम पे तो ऑर्किड मजबूर है अपनी पेटल का कलर चेंज करने के लिए नहीं तो इसके पास विजिट नहीं करने आएगा ठीक है तो भैया आज की क्लास में इतना ही था और बढ़िया गया तुम्हारा ये लेक्चर जी, बहुत कष्ट हो रहे हैं आज हां जी. आज बड़ी problems आ रही हैं. हाँ मैं आपको ये बोल रही थी बच्चों जस्ट remember वन थिंग वन लास्ट थिंग बस सुन लो आंखें बंद करके सुन लो याद रहेगा आपको नीट के एग्जाम में आना तो आई टू हंड्रेड परसेंट जो आप आंसर कर मैंने कहा बच्चे एक रह गया अमेंसिलिज्मिज्म का मतलब है माइनस ज़ीरो रिश्ता माइनस मतलब एक का नुकसान और दूसरे का ना नुकसान ना फायदा जैसे यार आ, आपको ये मालूम है ना कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी पेनिसिलिन एक पेट्री डिश में ग्रो कर रही थी जहाँ पे बैक्टीरियल प्लेट्स थी बैक्टीरियल ऑर्गन कॉलोनीस थी पेनिसिलिन जहाँ पे ग्रो करा था उसने ना साइड में अपने केमिकल्स रिलीज़ किए और बेचारे बैक्टीरिया आसपास में मर गए तो क्या हुआ पेनिसिलिन ने पेनिसिलियम ने पेनिसिलियम नोटेटम उसने अपना केमिकल रिलीज़ किया दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन जिससे बैक्टीरिया मर गया तो पेनिसिलिन को कुछ मज़े आए क्या नहीं लेकिन बेचारा बैक्टीरिया तो अपनी जान खो बैठा ना तो एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान और दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना फायदा ना नुकसान दैट इज़ कॉल्ड अमेनसलिज्म तो बस याद रखें पेनिसिलिन का एग्जांपल और इट इज़ अ माइनस ज़ीरो आप अगर सी प्लस याद करते हो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है सी प्लस इज कमेंसिलिजम प्लस जीरो है अमेनसिलिजम माइनस ज़ीरो ठीक है ठीक है बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है मिलते हैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे जुट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ, मैं अपडेट्स करती रहूँगी इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो मैं हर दिन स्टोरी डाल देती हूँ और जी आपका मर्जी है लाइक करो वीडियो को अच्छा लगे तो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दो तो, क्या दिक्कत है भारत है ये यार पर यू हैव टू बी ऑनेस्ट है ना ये ज़रूरी है इसमें मुझे शिफा ने पता नहीं चॉकलेट्स खिलाई और शिफा कह रही मैम बड़ा मज़ा आया आज बहुत दिनों के बाद हाँ उसका नाम चला कौन क्या हो गया क्या मेहुल क्या मैम वैस्प का फ़ायदा उसका तो उल्टा कट गया मुस्कान वैसप का तो ठीक है।, है लेकिन वैस्प को नहीं पता है वो आपको पता है सेटिस्फाइड है उसको लग रहा है जी वो अपनी दी वन से मिल के आया है पर वो दी वन से मिल के नहीं आया उसको नहीं पता है ठीक है जी ओके गाइज चलो बाय बाय गाइज लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स खुश रहो और जल्दी मिलते हैं विनायक देखो काले दिल देता है मेरे को क्या बात है बाविक मैं मज़ा आया आज पढ़ के अच्छा बाकी दिन नहीं आता है? <laughs> नहीं आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना वो मतलब अगर तुम ना अगर तुम्हारी बड़ी मत मतलब हो ना तुम्हारा कि मेरे को इंटरेस्ट लेना ही नहीं है बायोलॉजी में तभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा अदरवाइज तो ये सबको अच्छा लगता है फन भी कितना एक बार में पढ़ा सब खत्म यार सब दिमाग में आ गया ठीक है चलो गाइस मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए रात्रि शब्बा खैर खुश रहिए और खुश से खुशी खुशी तैयारी कीजिए दुख से नहीं ठीक है चलो बाय गाइस लॉट्स ऑफ लव बाय बाय